हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? बच्चों आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं अपने CMA इंटर ग्रुप 2 के अंदर में। चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस कंपनी। देखो ये चैप्टर में पहले बता दूं आपको कि बाकी जो बच्चे होते हैं ना, बाकी बच्चे वो अननेसेसरी इसमें परेशान होते हैं हद से ज़्यादा। मैंने पिछले चैप्टर को जब एंड किया था मैंने बताया था कि तीन चैप्टर है जिसमें बच्चे मैक्सिमम परेशान होते हैं, एक बैंकिंग, एक इंश्योरेंस और एक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सेकंड चैप्टर है इंश्योरेंस कंपनी और इसका टफनेस में सबसे ज़्यादा वेटेज माना जाता है कि सबसे टफ चैप्टर आपका यही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप आज के दो घंटे, जब दो घंटे मेरे एंड होंगे यानी कि क्लास एंड होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इससे सिंपल तो कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। खामोखा इस चैप्टर को टफ बना दिया गया है। आइए मैं आपको प्रूफ करता हूँ। चैप्टर मेरे बच्चे इंश्योरेंस कंपनी, थोड़ा सा आप मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। और इसमें मैं पहले एक बात चीज़ और बता दूँ कि ये इंश्योरेंस कंपनी आप लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं। CMA इंटर ग्रुप 1 में एक चैप्टर था जी इंश्योरेंस क्लेम, वो अलग था बच्चे, वो क्लेम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है ना उनका अकाउंटिंग कैसे होगा, उनका रिकॉर्डिंग कैसे होगा। कल को आप अपने CMA डिग्री क्वालिफाई करने के बाद अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम करने जाते हैं तो उसका अकाउंटिंग किस तरीके से दिखेगा, हम उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। तो नो डाउट कि चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है। बीच में कई सारे ऐसे वर्ड आएंगे जिनके बारे में बिल्कुल पहली बार आप सुन रहे हैं, लेकिन अब परेशान नहीं होना, जैसे जैसे चैप्टर आपका एंड होगा सारे कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो जाएंगे, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। आओ ना मेरे साथ थोड़ा लिखना शुरू कीजिए। आपका इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में शुरू कीजिए लिखना मेरे साथ, यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे नंबर वन, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे आप इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में। कहता है कि बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इन टू पार्ट्स। दो पार्ट में आप इनके बिजनेस को ब्रॉडली आप डिवाइड कर सकते हैं। सर कौन कौन सा? नंबर ए लिखेंगे आप यहां पे, नंबर वन लिखिए आप यहां पे, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है ना, जिसमें हम अपने लाइफ को इंश्योर कराते हैं। और बी में लिखेंगे बच्चे आप जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। मतलब कि एक तो आपका लाइफ का हो गया, और लाइफ को छोड़ के जो बाकी होते हैं ना, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, वो आपने जो लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ा था, लॉस ऑफ कई सारे जो होते हैं, एक्सीडेंट पॉलिसी, अपने गाड़ी का, बाइक का जो हम इंश्योरेंस कराते हैं, ऑल आर कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। आपका दो तरीके के बिजनेस आपके होते हैं, है ना, एक आपका ये, दूसरा ये। अगर मैं गलत ना हूं ना, तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो लिखा ना लाइफ इंश्योरेंस, एक्चुअली यहाँ पे इंश्योरेंस वर्ड गलत है। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में उन्होंने इंश्योरेंस वर्ड यूज किया हुआ है, हम वही लेंगे, लेकिन ये वर्ड गलत है। यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं, मेरे हिसाब से ना एश्योरेंस होना चाहिए, एश्योरेंस। सर ऐसा क्यों? मेरे बच्चे इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर वो चीज़ टूट जाती है, बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हम उसके जगह पर उस नई चीज़ को रिप्लेस कर देंगे। अगर मान लो मेरा ये कैलकुलेटर टूट गया, तो ठीक है जी, अगर मैंने इसका इंश्योरेंस कराया है ना, तो ये कैलकुलेटर रिप्लेस हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस, इंश्योर्ड होना। लेकिन सोचो ना कि क्या कभी आपने सुना है क्या कि कोई आदमी जिसका हमने इंश्योरेंस कराया है और वो आदमी का अगर डेथ हो जाता है, अगर वो मर जाता है, तो फिर क्या उसका वो रिप्लेस हो पाता है क्या? क्या कोई इंसान जिसका इंश्योरेंस हमने कराया वो मर गया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें नया इंसान दे देती है क्या? नहीं सर, वहाँ पे एश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस कंपनी हमें एश्योर्ड करती है कि देखो जी, अगर वो आदमी मर गया तो कोई बात नहीं, हम उनके फैमिली मेंबर्स को इतना पैसा देंगे, एश्योर करते हैं कि आगे आपके लाइफ ठीक से चलेगी। दिस इज कॉल्ड एश्योरेंस। तो आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में देखेंगे
कि कहीं पे वो इंश्योरेंस लिखते हैं, कभी एश्योरेंस लिखते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है ना। आपको परेशान नहीं होना, एग्जाम में भी कोई भी वर्ड लिखे दोनों का ठीक निकल के आता है। समझे मेरी बात? यस सर। पॉइंट नंबर टू पे आप आएंगे, नंबर टू यहां लिखेंगे मेरे साथ। नंबर टू कहता है कि इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट देयर बिजनेस विथ प्राइम मोटिव इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट देयर बिजनेस विथ प्राइम मोटिव टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज। मेरे बच्चे, कहा जाता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, इनका जो ऑपरेशन है, इनका ऑपरेशन किसी भी हालात में प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। ऑल्दो ये प्रॉफिट कमाते हैं, और मैं इनको दिखाऊंगा अभी कि जो मोटिव आपका जो मैंने लिखाया इनके अकाउंटिंग में कैसे इंपैक्ट डालेगा, लेकिन कहते हैं भैया इनका काम ना मेन प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सोसाइटी को सर्विसेज सर्व करना, ये इस मोटिव के साथ आपका ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। अब लिखेंगे आप इसके बाद पॉइंट नंबर थ्री लिखेंगे, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। मेरे बच्चे, इस चैप्टर को मैंने आपके लिए तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट लिखेंगे आप अकाउंटिंग ऑफ, हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर में अकाउंटिंग ऑफ आपका पहले हम सीखेंगे जनरल इंश्योरेंस। जो कंपनीज जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में है, अकाउंटिंग ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, उनकी अकाउंटिंग कैसे होगा, उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा, हम ये भी सीखेंगे मेरे बच्चे। और बी में आप लिखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। एक बात बताओ, अगर आप घर से बाहर निकले और मैंने कह दिया कि लाइफ एश्योरेंस बिजनेस, एश्योरेंस ये वर्ड कह दिया, तो क्या आप मुझसे झगड़ा करोगे? क्या आप मुझे बताओ, क्या आपको झगड़ा करोगे कि आप बोलोगे कि नहीं सर दोनों का मीनिंग सेम है? क्या आप मुझसे झगड़ा करोगे? क्या नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि अभी आपने बताया लाइफ इंश्योरेंस या फिर लाइफ एश्योरेंस कुछ भी लिखा रहेगा, मीनिंग सेम है। और तीसरे में मेरे बच्चे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इसका कंप्लीट थ्योरी, जो कि हमारे एग्जाम में चाहे वो सेक्शन ए के अंदर आ जाए, चाहे सेक्शन बी के आ जाए, यानी कि एमसीक्यू ग्रुप में आ जाए, या किसी तरीके से, या किसी भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, हम वो भी बहुत बेहतर तरीके से रिकॉर्ड कर पाएंगे, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली आपका तीन पार्ट में चैप्टर की स्टडी है, पहला आपका, दूसरा तीसरा, है ना, ए बी सी आपका। तो ये ध्यान रखेंगे, नो डाउट कि जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बैंकिंग में आपको पढ़ाया, उसी तरीके से मेरे बच्चे ये जो आपका है ना कंप्लीट थ्योरी, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस थ्योरी का जो 70% पार्ट है ना, वो हम इनका अकाउंटिंग करते समय सीख जाएंगे। मतलब जब इनकी अकाउंटिंग सीखेंगे उसके साथ 70% खत्म हो जाएगा। फिर भी मैं थ्योरी को अलग से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा, और फिर आपका बाकी 30% थ्योरी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये हमारा अकाउंटिंग करने का तरीका होगा। तो आप सारे बच्चे तैयार है ना? यस सर। हेल्थ इंश्योरेंस बच्चे, वो भी आपका इसी में कवर हो जाता है ना। लाइफ जो मेडिक्लेम हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, सब इसमें जाएगा। लाइफ जो है वो इसमें कवर होता है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और आज हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं, नंबर ए, अकाउंटिंग ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। मैं इसको चेंज कर लूँ? यस सर। आइए नए पेज पे, मेरे साथ साथ लिखना है, आगे पीछे नहीं। जब मैं बोलूँगा रुक जाओ तो फिर आपको रुक जाना है, लेकिन जब तक ना बोलूँ आपको मेरे साथ लिखते रहना, मेरे बच्चे लिखते रहना, बातें पूरी समझ में आएंगी। हेडिंग डालिए नए पेज पे, नया पेज लेंगे आप यहाँ पे, और नए पेज पे आप लिखेंगे अकाउंटिंग ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। जो भी हमारा जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है, इसकी अकाउंटिंग हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है ना, इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। और इसके अंदर लिखेंगे आप मेरे साथ यहाँ पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस टॉपिक, इसके अंदर में हमें क्या पढ़ना है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हम स्टडी कर लें तो ये चैप्टर हमारा, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, जनरल इंश्योरेंस की सारी अकाउंटिंग हम सीख जाते हैं। तो क्या क्या टॉपिक होगा, लिखेंगे नंबर ए पहला यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ
सर ये क्लेम क्या होता है अभी बताऊंगा, लिखो तो पहले आप, मैंने बोला था ना नए नए वर्ड्स आपके पास आएंगे, चिंता नहीं करना। फिर लिखना कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ प्रीमियम इनकम, प्रीमियम इनकम। जब हम इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी हमसे प्रीमियम चार्ज करती है ना बच्चे, तो प्रीमियम उनका कैसे कंप्यूट किया जाएगा हम उसका अकाउंटिंग सीखेंगे। हम सीखेंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। जब आप कोई इंश्योरेंस कराते हो तो बीच में एजेंट होते हैं, उनको कंपनी कमीशन पे करती है, तो वो कमीशन कैसे पे आपका कंप्यूट होगा वो भी हम सीखेंगे। और फोर्थ लिखेंगे आप यहाँ पे डी में, यहाँ पे आपका है फाइनल अकाउंट। हम सीखेंगे यहाँ पे फाइनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ जनरल, जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जनरल इंश्योरेंस जो इनका बिजनेस होता है, उनका फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा हम उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। मेरे बच्चे यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक तो इनका बनेगा रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट यानी कि जो नॉर्मल आपने अकाउंटिंग सीखा ना, फाइनल अकाउंट जो आपने सीखा होगा या सीखेंगे आपका बाकी कंपनी का, इनका उस तरीके से नहीं बनता, इनके लिए अलग से आपका रूल है। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जो इंश्योरेंस कंपनीज को गवर्न करती है, उनके मुताबिक इसका अकाउंटिंग होता है। तो एक आपका बनेगा रेवेन्यू अकाउंट, एक बनेगा इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारी बातें मेरे साथ लिखी आप यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनेगा मेरे बच्चे यहाँ पे सीमे बैलेंस शीट। तीन चीज़ें यहाँ पे हम बनाते हैं, एक आपका रेवेन्यू अकाउंट, एक आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक आपका बैलेंस शीट। मैं आपको बता दूं कि ये जो इनके अकाउंटिंग होता है इसके लिए है हमारे पास फॉर्म बी, फॉर्म बी, फॉर्म बी में इनका अकाउंटिंग होता है। फॉर्म बी फॉर्मेट है आपका जो लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं ना, दो तरीके का था ना बच्चे, ये जो आपका लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं ये वाले, इनके लिए जो हमारा अकाउंटिंग है ना, ये अकाउंटिंग दिया गया है फॉर्म ए के अंदर में, कि फॉर्म ए में इनका फॉर्मेट बताया गया है और इनका जो है वो बताया गया है फॉर्म बी के अंदर में। तो फॉर्म बी का वही मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म बी में यहाँ पे क्या है जी, आपका इनका अकाउंटिंग है। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ जनरल इंश्योरेंस जो आपका कंपनीज है या जो बिजनेस है उनका अकाउंटिंग किस फॉर्म के अंदर है, तो फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म बी। फॉर्म बी में भी इन सबके अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे इसका नाम है आपका बी डैश आर ए। मतलब अगर एग्जाम में पूछ दे कि बताओ जी रेवेन्यू अकाउंट जो बनता है जनरल इंश्योरेंस वालों का, इसका इसका कौन सा फॉर्म है, इसका नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर्म बी डैश आर ए, आर ए फॉर रेवेन्यू अकाउंट, है ना, इसी से बनाया गया है, बी हो गया आपका डैश आर ए, तो इसका फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म बी आर ए। उसी तरीके से प्रॉफिट लॉस को बोला गया है बी डैश पी एल, समझ लो ना, बी हो गया फॉर्म बी से निकल के आया और पी पी और एल हो गया ये आपका, उसी तरीके से आप समझ गए होंगे, फॉर्म बी डैश बी एस, है ना, बी हो गया फॉर्म एंड बैलेंस शीट को शॉर्ट में कह दिया गया बी एस आपका। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर। तो ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे अकाउंटिंग है मेरे बच्चे, इनके बारे में हमें सारा का सारा स्टडी करना। आओ ना अब मैं शुरू करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका कैसे काम होगा। आप कॉपी कर लो इसको जल्दी से, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस पे हमारी मास्टरी हो जाएगी, हम समझ जाएंगे अगर हम इन चार टॉपिक पे मास्टरी कर लेते हैं, इनका क्लेम निकालना, इनका प्रीमियम इनकम निकालना, कमीशन निकालना, फाइनल अकाउंट इनका बनाना और फाइनल अकाउंट में रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। इनका जो अगर एग्जाम में पूछ दे कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का जो अकाउंटिंग होता है किस फॉर्म के अंदर होता है, आप बोलेंगे फॉर्म बी। बोल दे कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो रेवेन्यू अकाउंट बनता है वो किस फॉर्म के अंदर बनता है, तो आप याद कैसे रखेंगे, बी आ गया पहले और फिर डैश आर ए, बी डैश आर ए, है ना, बी डैश पी एल एंड बी डैश बी एस आपका। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर, याद रहेगी बात ये। सर अगर हम भूल गए तो मार्क्स खत्म, क्यों भूलेगा बदमाश, सभी याद करा रहा हूं, अरे सभी याद करा रहा हूं, कैसे भूल जाएगा, हा? तो आप प्लीज कॉपी कर ले इसको। चलिए अब हम शुरू करते हैं बच्चे, पहला टॉपिक आपका कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम, आपका कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम। उसके पहले ना, उसके पहले आप ना एक काम करो, यहीं पे जो आपने लिखा ना टॉपिक्स टू बी कवर्ड, एक नोट लिखो यहाँ पे, नोट नंबर वन आपका, यहीं लिखिए आप नोट नंबर वन। कहते हैं कि फॉर
अकाउंटिंग पर्पस, सर आप रेट से लिख रहे हो, हम भी रेट से लिखे, अरे किसी से लिखो बदमाश, क्या फर्क पड़ता है। आप लिखो फॉर अकाउंटिंग पर्पस, फॉर अकाउंटिंग पर्पस जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, जनरल जनरल इंश्योरेंस इंश्योरेंस बिजनेस बिजनेस कैन ब्रॉडली कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड डिवाइडेड इंटू इंटू थ्री पार्ट्स थ्री पार्ट्स। मेरे बच्चे अकाउंटिंग के लिए हमने क्या लिखा, फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ऐसे मैं आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगा, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी, जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है ना उसको फाइव पार्ट में डिवाइड किया गया है। बट वो फाइव पार्ट ना समझने के लिए, थ्योरी के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास सिर्फ तीन ही पार्ट है, है ना। वो कौन कौन से है जी, नंबर ए लिखेंगे आप यहां पे, फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, आग से अगर कोई आपका लॉस का हम इंश्योरेंस कराते हैं तो फायर इंश्योरेंस में कवर होगा। बी लिखेंगे मरीन इंश्योरेंस, मरीन यानी कि पानी, अगर पानी से कोई लॉस आपको होता है उसको इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो मरीन इंश्योरेंस में कवर होगा। और सी बाकी जितने भी होंगे उसको हम मिसलेनियस इंश्योरेंस के अंदर में कवर करेंगे, मिसलेनियस इंश्योरेंस। आपका दिमाग यहीं से क्लियर करे कि मेरे बच्चे हम लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की अकाउंटिंग अलग से होगी, हमने उसके बारे में अभी पढ़ा ही नहीं है। हम तो टॉपिक शुरू किए हैं जी जनरल इंश्योरेंस, मतलब जितने भी जनरल इंश्योरेंस होते हैं ना उनको हम ब्रॉडली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर आग से कोई लॉस हो जाए और उसकी भरपाई करने की बात हो तो वो फायर इंश्योरेंस में कवर होगा। पानी में किसी तरीके का लॉस हो जाए, जहाज डूब गया, पानी के अंदर में आपका शिप डूब गया, कुछ भी ऐसा आपका होता है तो वैसे इंश्योरेंस को मरीन में कवर किया जाएगा। और बाकी जितने आप जानते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट होना, आपका मेडिक्लेम होना, बहुत सारी बातें जो आपकी होती है वो सभी के सभी क्या होगा जी, मिसलेनियस इंश्योरेंस कवर में कवर आपका होगा। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो ये तीन तरीके का आपका यहाँ पे बिजनेस के लिए हम डिवाइड करेंगे। तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कैन ब्रॉडली भी डिवाइड इंटू थ्री पार्ट्स, एक आपका फायर, एक मरीन और तीसरा आपका मिसलेनियस। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब ना मैं काम करता हूं, अब मैं यहां पे क्लेम निकालना सिखाता हूं कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो क्लेम कैसे निकालती है। आपको पता है क्लेम क्या होता है? क्लेम क्या होता है देखो ना, अगर सिंपल शब्दों में बात करूं तो जब हम बच्चे कोई पॉलिसी लेते हैं किसी भी कंपनी से, चाहे वो लाइफ का हो, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, तो उस केस में क्या होता है कि अगर मान लो कि हमने गाड़ी का कराया है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी के एक्सीडेंट होने पे इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम पे करती है ना, बोलो। हाँ, जब गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम पे करेगी ना बच्चे। तो इंश्योरेंस कंपनी एक साल में कितने क्लेम को एक्सपेंस के रूप में दिखाएगी, हम उसी के बारे में यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे। क्लेम आपका लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, नया पेज लेंगे, बिल्कुल नया पेज, आपको बिल्कुल नए पेज पे आना है और नए पेज पे बिल्कुल इस तरीके से आप लिखना शुरू करेंगे। पूरा एक पेज इसमें यूज होगा तो पेज में आप कंजूसी नहीं करेंगे, जैसे जैसे बोलूंगा उस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है ना। लिखिए हेडिंग आप यहाँ पे, कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम, क्लेम का कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं बच्चे। आप मेरे साथ इसका फॉर्मेट रेडी करेंगे, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, आगे पीछे नहीं। फिर बच्चे इसका फॉर्मेट में आपको यहाँ पे तीन कॉलम मेरे साथ रेडी करना है, तीन कॉलम, एक दो एंड तीन, तीन कॉलम आप मेरे साथ रेडी करेंगे। एक आपका यहाँ पे फायर का, फायर का, एक आपका मरीन, मरीन और एक आपका मिसलेनियस। अभी मैंने लिखाया था ना आपको कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो बिजनेस होता है बच्चे वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, तीन पार्ट में अकाउंटिंग करते हैं, तो उसी अकाउंटिंग के मुताबिक जो इनका क्लेम होगा ना वो तीनों का अलग अलग निकाला जाएगा। सर क्लेम क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, आप जानते भी होंगे
कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी लेते हैं, कोई पॉलिसी लेते हैं, तो मेरे बच्चे अगर वो पॉलिसी, जैसे मान लो कोई गाड़ी का ही हमने इंश्योरेंस कराया और गाड़ी का मान लो एक्सीडेंट हो गया, या फिर हमने लाइफ का पॉलिसी कराया था और उस इंसान का अगर डेथ हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी बच्चे हमें क्लेम पे करती है। जानते हो इस बात को ना, ये जो कंपनी हमें क्लेम पे करेगी, ये क्लेम इंश्योरेंस कंपनी का क्या होता है जी, एक्सपेंस होता है। वो एक्सपेंस की कैसे अकाउंटिंग होगा, कैसे रिकॉर्डिंग होगा बच्चे, उसी के बारे में आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तीनों बिजनेस का अलग अलग क्लेम निकाला जाएगा कि फायर में कितना पे किया गया, मरीन में कितना पे किया गया, और आपका मिसलेनियस में कितना पे हुआ। लिखिए मेरे साथ, इसका फॉर्मेट देता हूँ मैं आपको। लिखेंगे डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड, डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड। सर ये क्या होता है? अभी आप मुझसे ये ना पूछो क्या होता है, बस आप लिखते चलो। अभी फॉर्मेट दे रहा हूँ, एक एक वर्ड में आपको समझाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ, बट लिखो ना अभी मेरे साथ। कहते हैं इसके अंदर में आपका क्लेम, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, लिखिए यहाँ पे क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में हम लोगों ने जितना क्लेम पे किया वो लिखा जाएगा। इसमें ऐड कीजिए आप, यहाँ पे ऐड करेंगे IBNR, आप लिखेंगे यहाँ पे IBNR एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। सर ये क्या होता है? लिखो तो बदमाश, मैंने बोला ना सारी बातें बताऊंगा। आप फिर ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड करेंगे क्लेम आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग OS यानी कि आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में जितना आपका क्लेम आउटस्टैंडिंग है वो भी इस बार का एक्सपेंस, उसको ऐड कीजिए। और फिर आप यहाँ पे लेस करेंगे, लेस करेंगे IBNR, अभी क्या होता बताऊंगा, एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, साल के स्टार्टिंग में अगर कुछ IBNR है उसको आप लेस कीजिए। आप लेस करेंगे मेरे बच्चे, अगर कुछ क्लेम आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग आपका एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, साल के स्टार्टिंग में, एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, बिगनिंग ऑफ ईयर, तो मेरे बच्चे इसको प्लस माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आपका आएगा हम उसको बाहर वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। वो कंप्यूटेशन अगर फायर का है तो फायर का अमाउंट फायर में, मरीन का मरीन में, मिसलेनियस का मिसलेनियस में। इसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पे इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड, बिजनेस एक्सेप्टेड। ऊपर वाला क्या था? डायरेक्ट बिजनेस। ये क्या है जी? इनडायरेक्ट बिजनेस। अगर कोई इनडायरेक्ट बिजनेस आपके पास आया है, यहां भी कहते हैं कि क्लेम पेड, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना आपने, ये ड्यूरिंग लिखा था मैंने, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने थोड़ा सा, तो लिखेंगे आप यहां पे क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में जितना क्लेम आपने पे किया है वो लिखिए आप यहां पे। आप यहां पे अगेन ऐड करेंगे, ऐड करेंगे जी IBNR, अब इसको ना शॉर्ट में दो को एक साथ इकट्ठा कर दे रहा हूं, या फिर आउटस्टैंडिंग हो, आउटस्टैंडिंग हो क्लेम, क्लेम एट द एंड, साल के एंड में अगर कोई क्लेम आपका आउटस्टैंडिंग है या फिर IBNR है, जैसे यहां ऐड किया था ना बच्चे वही चीज आपका, और लेस कर दूंगा मैं यहां पे अगर कोई IBNR, सर होता क्या है अभी बताऊंगा, या फिर आउटस्टैंडिंग क्लेम आपके पास कुछ है एट द बिगनिंग, अगर साल के स्टार्टिंग में अगर कुछ ऐसा है तो उसको हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे आप यहाँ पे लेस करेंगे, है ना, ये ऐड हो रहा है, ये लेस हो रहा है। और फिर मेरे बच्चे जो ये भी आपका, ये दोनों क्या था, ब्रैकेट में था, मतलब लेस हुआ था, ऐसे लिखा था मैंने यहाँ पर, दोबारा कर दिया, फिर जो अमाउंट आएगा आप उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। हम लोग देख रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम एक्सपेंस के रूप में कितना रिकॉर्ड होगा। तो मेरे बच्चे डायरेक्ट बिजनेस में जो क्लेम पे किया, इनडायरेक्ट में जो पे किया उसको ऐड करेंगे, और अगर आपका इनडायरेक्ट, लिखेंगे यहां पे इनडायरेक्ट बिजनेस, बिजनेस सीडेड, सर सीडेड का मतलब लिखो तो पहले, इनडायरेक्ट बिजनेस सीडेड, अगर इसके अंदर में कहते हैं कि क्लेम, क्लेम अगर हमने कुछ रिसीव किया है, received during the year, received during the year, अगर हमने कोई क्लेम रिसीव किया है मेरे बच्चे, वो आप यहां लिखेंगे।
इसमें ऐड कीजिए, आप ऐड करेंगे रिसीवेबल, रिसीवेबल एट द एंड। अगर साल के एंड में कुछ आपका रिसीवेबल है तो हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे आपका रिसीवेबल एट द एंड आपका, और आप यहाँ पे लेस करेंगे, माइनस करेंगे अगर कुछ रिसीवेबल है, रिसीवेबल है एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग साल की स्टार्टिंग में अगर कुछ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, इसको इसमें लेस करेंगे। फिर जो अमाउंट आएगा बच्चे, उसको बाहर में जब हम लिखेंगे, ध्यान रखना कि बाहर में मैं इसको ना ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ब्रैकेट में। सर ऐसा क्यों, थोड़ा सा समझाऊंगा। हम लोग एक्सपेंस निकाल रहे हैं, क्लेम हमारा एक्सपेंस कितना है, हमने कितना पे किया है, ये मेरे बच्चे पे किया है, ये पे किया है, बट ये रिसीव किया है। तो नेट को निकालने के लिए जितना पे किया उसमें रिसीव को माइनस कर दो, और इसके बाद आप यहाँ पे ऐड करना, ऐड करना क्या जी, एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज डायरेक्टली, डायरेक्टली रिलेटेड टू, रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑफ क्लेम, रिलेटेड टू सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ क्लेम, क्लेम के से सेटलमेंट में जो खर्चे आपके जुड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिखिए आप यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेज, लीगल एक्सपेंसेज कॉमा सर्वेयर फीस, सर्वेयर जो आपका जब कोई एक्सीडेंट होता है गाड़ी सब का, तो एक सर्वेयर होता है, वो अंदाज़ा लगाता है, एस्टिमेट लगाता है कि आपको लॉस कितने का हुआ, तो मेरे बच्चे उसका कुछ चार्जेज आपका हुआ एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी होगा। सर ऐसे कितने नाम होंगे और क्या क्या नाम याद रखना होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना मेरे बच्चे। ऐसा अगर कोई एक्सपेंस होगा जो डायरेक्टली आपका क्लेम से जुड़ा होगा तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, कहते हैं कि ऑलवेज स्पेसिफाइड, ऑलवेज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से स्पेसिफाई करेगा कि भैया ये वो खर्चे हैं जो खर्चे आपके क्लेम से जुड़े हुए, मतलब कोई नाम याद नहीं रखना। आपको बहुत अच्छी तरीके से भी दिखाऊंगा बुक में कि क्वेश्चन में मेरे बच्चे साफ साफ शब्दों में कहेगा कि ये वो खर्चे हैं जो आपके क्लेम से जुड़े हुए, क्लेम से जुड़े हुए है ना, तो उनको भी हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे प्लस कर देंगे मेरे बच्चे। फिर जो अमाउंट आपका निकल के आएगा वो तीनों में ही निकल के आ जाएगा आपका नेट क्लेम। सर आप रेट से लिख रहे हो, अरे किसी से लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है बदमाश, नेट क्लेम यानी कि क्लेम जो तीनों का हुआ वो इतना इतना हो गया है ना। हमने क्या किया, फायर मरीन मिसलिनियस तीनों का अलग क्लेम निकाला, डायरेक्ट बिजनेस जो एक्सेप्ट किया बच्चे उससे क्लेम लिया, इनडायरेक्ट से लिया, और फिर आपका सीडेट से माइनस कर दिया, कुछ इसको प्लस किया और निकल के आ गया, काम खत्म हो गया। लेकिन मैं जानता हूं आपको एक वर्ड भी अभी समझ में नहीं आया, चिंता मत करो, हो ना अभी मैं समझाऊंगा ना। आपने प्रॉमिस किया है कि दो घंटे का जो टाइम पीरियड है ना वो आप हमें देंगे इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए। आइए मैं अब इसके कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। पहले समझाता हूँ ये डायरेक्ट बिजनेस इनडायरेक्ट बिजनेस क्या होता है, ये एक्सेप्टेड सीडेड क्या होता है, उनके बारे में समझाता हूँ। मेरे बच्चे आप लिखना बिल्कुल बंद करेंगे, दिमाग बिल्कुल मेरे साथ होगा, शब्द जो मैं बोलूँगा उस पर आपका ध्यान होगा, कहीं भी दिमाग में इफ और नहीं आएगा। सुनो मेरी बात, ये देखो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिख रहा हूँ, मान लो LIC कंपनी, LIC कंपनी बहुत पुरानी इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारे आज के टाइम पे कंपनी है जी, ICICI लंबार्ड है, HDFC है, बहुत सारी कंपनी है, बट LIC की बात करता हूँ। देखो आप ना अपने आप को ये मानेंगे कि अपना CMA का डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप किसी एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर गए हैं, मान लो वो कंपनी आपका ये है और इस कंपनी का अकाउंटिंग आप संभाल रहे हैं, आप LIC कंपनी के मेरे बच्चे अकाउंटिंग संभाल रहे हैं, और अकाउंटिंग को संभालते समय आप ये भी मानेंगे कि आपने क्या करना है जी, उस कंपनी ने एक साल में कितना क्लेम पे किया, उस क्लेम का आपको कंप्यूटेशन करना है, क्लेम का। देखो क्या होगा, पहले आपको इसका बिजनेस समझना होगा, इसका बिजनेस होता कैसे, ध्यान से सुनेंगे आप। देखो कई सारे लोग, कई सारे लोग, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, एफ, जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को LIC कंपनी से पॉलिसी लेना है, कोई भी पॉलिसी हो सकता है, लाइफ का, आपका जनरल का, सब में क्लेम निकाला जाता है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, बट फिलहाल अभी हम जनरल का दिमाग में लेकर चल रहे हैं ना बच्चे। तो ये जितने सारे लोग हैं, अगर मान लो कि ये लोग LIC कंपनी से पॉलिसी लेते हैं ना, तो नो डाउट कि पॉलिसी जब लेंगे तो प्रीमियम पे करेंगे, है ना बच्चे। और फिर जब पॉलिसी मेच्योर्ड हो जाएगी, कब मेच्योर्ड हो जाएगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया या टाइम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चोरी हो गया, कुछ भी आपका हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पे करती है,
मुद्दे की बात सुनना मेरे बच्चे, जब भी ये पब्लिक यानी कि आपके और मेरे जैसे लोग ये डायरेक्टली इसके पास अगर आएंगे ना पॉलिसी कराने के लिए, तो कहते हैं ये आपका डायरेक्ट बिजनेस है, डायरेक्ट बिजनेस इसको बोलते हैं, डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड, डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड इसको बोलते हैं, मतलब कि इनसे डायरेक्टली बिजनेस आपके पास आया है, है ना, बिजनेस आपने एक्सेप्ट किया ना, इसको अपने आप को ये मानना। तो अगर पब्लिक आपके पास आती है और कहती है भैया मुझे पॉलिसी दो, तो आपने क्या किया, बिजनेस लिया उनसे, है ना, बिजनेस एक्सेप्ट किया। तो जब भी ऐसे कोई लोग पॉलिसी आपका लेगा ना, तो इसको बोलते डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड, ये था आपका डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड। अब ना मेरी बात सुनना, एक और मैं इंश्योरेंस कंपनी का नाम लेता हूँ, जैसे ICICI बैंक, ICICI लंबार्ड, बहुत सारे आपका इसका डिवीजन है, तो लंबार्ड जो इसका इंश्योरेंस पॉलिसी को डील करता है, सुनो ना मेरी बात। ICICI कंपनी के पास क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा इंसान, कोई नाम बताओ ना जो बहुत बड़ा इंसान होगा, जैसे कि अंबानी हो गया, जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गए, अमिताभ बच्चन है ना, अमिताभ बच्चन। तो ये क्या हुआ जी कि ये गए इनके पास एक पॉलिसी लेने के लिए, इनके पॉलिसी लेने के लिए। ICICI कंपनी ने बोला कि अमिताभ जी बताइए कितने की पॉलिसी चाहिए। अमिताभ ने कहा कि मुझे 500 करोड़ रुपए की मुझे पॉलिसी दे दो, लाइफ पॉलिसी दे दो, लाइफ इंश्योरेंस। मेरे बच्चे ये क्लेम निकालना ना लाइफ में भी होगा, लाइफ वाले में भी देखेंगे और इसमें भी होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर जनरल इंश्योरेंस की बात करो तो लाइफ की बात क्यों करें, दोनों में सेम अंडरस्टैंडिंग चलेगा, आप चिंता नहीं कीजिए। मान लीजिए अमिताभ बच्चन ने ICICI के पास गए, बोले कि मुझे अपना एक पॉलिसी लेना जी 500 करोड़ रुपए का, मुझे बताओ कि ये जब अमिताभ बच्चन 500 करोड़ का पॉलिसी इससे मांगेंगे तो ये मना करेंगे क्या? नहीं सर, मना नहीं करेंगे, पॉलिसी ही तो लेने के लिए हम बैठे हुए। लेकिन पता बच्चे एक बात आपको बताता हूं, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है ना, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, उनकी मैनेजमेंट ने एक लिमिट तय किया है, वो लिमिट है कि एक आदमी पे हम टू द मैक्सिमम कितने अमाउंट का रिस्क बियर करेंगे। सोच लो आप कि अमिताभ बच्चन ने अगर 500 करोड़ का आपसे पॉलिसी लिया हुआ है, तो नो डाउट कि 500 करोड़ रुपये बड़ा प्रीमियम अमिताभ बच्चन ने आपको पे किया होगा, लेकिन जितना बड़ा प्रीमियम आया होगा ना, उतना बड़ा रिस्क भी आपके पास आया है कि अगर कल को अमिताभ बच्चन मर जाते हैं, ऑब्वियस बात है सबको मरना है, मुझे आपको सबको मरना है, तो जब भी अमिताभ बच्चन आपका डेथ होगा, अगर कुछ आपका अनसर्टेनिटी के थ्रू आपका, तो उस केस में ICICI बैंक इनको क्या करेगा जी, 500 करोड़ रुपीज का पेमेंट करेगा, एक बहुत बड़ा रिस्क आपका होता है। तो पता क्या है, मैं आपको बताऊं, जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है ना बच्चे, उन्होंने एक लिमिट फिक्स किया है कि एक आदमी पे, वन पर्सन पे टू द मैक्सिमम मैं इतने का ही रिस्क बियर करूंगा। मतलब कि मान लो ICICI की मैनेजमेंट ने पर पर्सन 100 करोड़ रुपीज टू द मैक्सिमम का रिस्क बियर किया है कि भैया 100 करोड़ इससे ज्यादा का नहीं है आपका। अब जरा सोचो कि इन्होंने क्या किया जी, 100 करोड़ एक आदमी पे रिस्क फिक्स किया हुआ है, अमिताभ बच्चन आके बोलते हैं कि मुझे 500 करोड़ रुपीज की पॉलिसी चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि 500 करोड़ की अगर पॉलिसी इससे डिमांड करेंगे तो क्या ICICI मना कर देगा क्या, करने भैया हम तो पर पर्सन रिस्क आपका सिर्फ 100 करोड़ का लेते हैं, ये ठीक है क्या? नहीं सर, ठीक नहीं है, आप बिजनेस छोड़ दोगे, बड़े बड़े लोगों का बिजनेस खत्म हो जाएगा आपके पास से। पता क्या होगा, ICICI के पास एक उपाय है, पता क्या, ये अमिताभ बच्चन से ना पूरे 500 करोड़ का पॉलिसी यहां पे करा लेंगे। इस 500 करोड़ में इनका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कितना है जी, 100 करोड़। पर बच्चे 100 करोड़ के बाद का जो बाकी का अमाउंट है ना, ये क्या करेंगे, LIC कंपनी पे अपने रिस्क को शिफ्ट कर देंगे। यानी कि ICICI कंपनी क्या होगा कि इनसे अमिताभ बच्चन ने 500 करोड़ का पॉलिसी कराया है, मेरे बच्चे 500 में 100 छोड़ के बाकी 400 करोड़ रुपीज का जो पॉलिसी होगा ना, वो क्या करेगा, ICICI LIC से करा देगा। इससे क्या हुआ कि आपका 100 का रिस्क आपके पास रह गया एंड 400 का रिस्क आपके पास चला गया। अगर कल को अमिताभ बच्चन का डेथ होता है तो मेरे बच्चे ICICI कंपनी तो इनको 500 करोड़ ही पे करेगा क्योंकि इन्होंने इनसे पॉलिसी कराया है, लेकिन ये क्या करेंगे, इनसे 400 करोड़ रुपीज आपका ले लेंगे। नो डाउट कि जो प्रीमियम आपने चार्ज किया होगा उसमें से कुछ इनको भी शेयर करेंगे, वो बात की बात हम प्रीमियम में देखेंगे, लेकिन फिलहाल बच्चे हम क्लेम की बात कर रहे हैं, क्लेम की बात कर रहे हैं। तो आप देखो ना, ये देखो, ये जो बिजनेस है LIC के पास, वो क्या हुआ, डायरेक्टली आया, कस्टमर डायरेक्टली इनसे जुड़े,
यहां भी अमिताभ बच्चन LIC कंपनी के साथ जुड़ रहा है, बट ये अमिताभ बच्चन जो इनके पास आ रहा है ना, वो डायरेक्टली नहीं आ रहा है, वो इनडायरेक्टली आ रहा है, इनके थ्रू आ रहा है। तो मेरे बच्चे, जब भी इनके पास कोई बिजनेस आएगा किसी कस्टमर का इनडायरेक्टली, तो ये कहेंगे, LIC कहेगा कि ये मेरा इनडायरेक्ट बिजनेस हमने क्या किया जी, एक्सेप्ट किया। बिजनेस आया है, जब भी हमारे पास बिजनेस आएगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, हम क्या करेंगे, बिजनेस हमने एक्सेप्ट किया है। ये डायरेक्टली बिजनेस आया है बच्चे, और ये हमारा क्या हुआ जी, इनडायरेक्टली बिजनेस आया है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सर, अब देखो ना, मान लो इसमें से क्या हुआ, एज का डेथ हो गया, जो डायरेक्टली बिजनेस आपके पास आया था, एज का डेथ हो गया, या फिर इसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इसको क्लेम पे करना पड़ा। मान लो LIC कंपनी को यहाँ पे जो क्लेम पे करना पड़ा, वो 8 लाख रुपीज का पेमेंट करना पड़ा, 8 लाख रुपीज का, है ना, या आपका मान लीजिए यहाँ पे 8 करोड़ का पेमेंट करना पड़ा, 8 CR का। अगर मान लो अमिताभ बच्चन का भी डेथ हो जाता है, तो मुझे बताओ, अमिताभ बच्चन के डेथ होने पे LIC कंपनी ने कितना पे किया, मुझे बताइए। अगर अमिताभ बच्चन का डेथ हो जाएगा, तो अमिताभ बच्चन को LIC कंपनी कितना पे करेगा, 400 करोड़, 500 करोड़ नहीं मेरे बच्चे। देखो क्या होता है, ऐसे तो अमिताभ बच्चन को आप पे करोगे, आप कितना, 500 करोड़, क्योंकि पॉलिसी आपसे लिया गया है, लेकिन उस 500 में से 400 करोड़ क्या करेंगे जी, हम इनसे ले लेंगे, है ना। तो इनडायरेक्टली कहा जाए कि भैया LIC कंपनी ने जो इनडायरेक्टली बिजनेस आया था, उसमें कितना पे किया, 400 करोड़। तो पता है क्या हुआ, आपने 8 करोड़ पे किया, और कितना पे किया जी, 400 करोड़ रुपीज का हमने पेमेंट किया, है ना, दोनों मिला के अगर देखा जाए तो। नाउ जैसे इन्होंने एक लिमिट फिक्स किया ना बच्चे, कि एक आदमी पे टू द मैक्सिमम 100 करोड़ का रिस्क बेयर करूंगा जी, उसी तरीके से इनकी भी मैनेजमेंट ने फिक्स किया होगा कि हम एक आदमी पे टू द मैक्सिमम कितने का रिस्क लेंगे। मान लो कि इन्होंने क्या किया है कि पर पर्सन 600 करोड़ रुपीज का रिस्क फिक्स किया। ये डिपेंड करता है क्या है, वो रियल लाइफ की बात मैं समझा रहा हूँ आपको, कि LIC कंपनी ने डिसाइड किया कि भैया हम एक आदमी पे टू द मैक्सिमम 600 करोड़ रुपये का रिस्क लेंगे, इससे ज़्यादा का नहीं लेंगे। अब होता क्या है कि जो बिजनेस इनके पास से आया था, उसमें से मान लो मिस्टर ई जिसने 700 करोड़ रुपीज का मान लो पॉलिसी कराया था, 700 करोड़ रुपए का मेरे बच्चे, तो 700 करोड़ का अगर इन्होंने डायरेक्टली बिजनेस एक्सेप्ट किया था, तो क्या इन्होंने मना किया होगा कि नहीं जी हम तो सिर्फ 600 करोड़ का रिस्क लेंगे, हम 700 का नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ा ही होगा। आप क्या करोगे जी, पूरे 700 करोड़ का बिजनेस आप यहां पे एक्सेप्ट करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी 600 करोड़ के रिस्क को बियर करने की है, तो बाकी का जो 100 है ना, आप भी क्या करोगे, किसी और बिजनेस पे शिफ्ट कर दोगे, किसी और बिजनेस पे, किसी और कंपनी पे, चाहे वो ये कंपनी होगा, चाहे कोई और कंपनी, जिससे भी आपका टाई अप है। मान लो HDFC से क्या किया जी, हमने आपका री इंश्योरेंस करा लिया। मेरे बच्चे, आउट ऑफ 700 करोड़, 600 तो अपने पास रखा, 100 करोड़ का जो आपका बिजनेस है ना, हमने इस पे ट्रांसफर कर दिया। जब भी आप किसी और कंपनी को बिजनेस देंगे, तो हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बिजनेस। ध्यान रखना, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने बिजनेस ट्रांसफर किया है बच्चे, ये बिजनेस एक्सेप्ट किया था। आप क्या कर रहे हो कि जो बिजनेस आपके पास आया था, उसमें से कुछ बिजनेस किसी और कंपनी पे ट्रांसफर कर रहे हो। आप कहते हो कि इनडायरेक्ट बिजनेस ट्रांसफर्ड, हमने क्या किया जी, बिजनेस ट्रांसफर किया। कितने का, 100 करोड़ का आपका। मेरे प्यारे बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी चैप्टर में जो आपने यहां पे ट्रांसफर किया ना, जो आपने ट्रांसफर किया, इसी ट्रांसफर का वर्ड होता है सीडेड। मतलब कि बिजनेस सीड किया, मतलब क्या जी, हमने किसी और को ट्रांसफर किया। रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस कहता है कि हमने सीड किया, हमने किसी को बिजनेस दिया, तो बिजनेस देने का मतलब कि बिजनेस ट्रांसफर करना, बिजनेस किसी को देना। मैं यहां लिख दूं क्या, ये था ना इनडायरेक्ट बिजनेस सीडेड। सीडेड का मतलब क्या जी, ट्रांसफर टू अदर कंपनी, हमने अदर कंपनी को बिजनेस ट्रांसफर किया। अगर हिंदी में कहें तो देना, हमने क्या किया जी, बिजनेस किसी को दे दिया, अपना बिजनेस का कुछ पार्ट हमने किसी और को ट्रांसफर किया। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब सोचो जरा, अगर ई का भी डेथ हो जाएगा, मान लो ई का भी पॉलिसी मेच्योर्ड हो गया, तो मुझे ये बताइए कि LIC कंपनी ई को कितना पे करेगा। मुझे बताओ कि अगर ई जिसने 700 करोड़ का पॉलिसी इनसे लिया था मेरे बच्चे, अगर ई का डेथ हो जाता है, या फिर ई का पॉलिसी किसी भी रीजन से मेच्योर्ड हो जाता है, तो बताओ LIC कंपनी इनको कितना पे करेगा।
याद रखना पूरे 700 करोड़। आप ये मत कहना कि 600 क्योंकि हमने 600 का रिस्क नहीं किया था। नहीं मेरे बच्चे, ई जो है ना ई वो तो आपको जानता है और इसकी पॉलिसी जब मैच्योर्ड होगी तो आपको पूरे 700 करोड़ पे करना पड़ेगा, पूरे 700। हम क्या करेंगे जी, ये जो हमने क्लेम है ना उसमें 700 हमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस 700 में से अब हम लोगों ने क्या किया होगा, इससे हमने 100 करोड़ मेरे बच्चे रिसीव कर लिया होगा, क्योंकि जब हमने आपको बिजनेस ट्रांसफर किया ना तो हमने आपको प्रीमियम दिया होगा। नो डाउट कि अब पॉलिसी मेच्योर्ड हुआ तो आपको जितने का रिस्क था आपको बियर करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे यहां पे LIC कंपनी क्या करेगा, इनसे 100 करोड़ का बिजनेस अपने जो आपका क्लेम है वो ले लेगा। तो 700 हमने पे किया था जी, वो हमारा खर्च हो गया, लेकिन 100 हमने क्या किया, रिसीव कर लिया। तो अल्टीमेटली हमारा खर्च कितना रह गया, 600। और टोटल क्लेम की बात करूं तो 8 + 4 + 7 - 1 कितना हो गया आपका, 1008 करोड़ रुपीज का आपका क्लेम निकल गया है। तो मैं कुछ बड़ी बात थोड़े सिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब भी क्लेम निकालना होगा, ये देखो आप, जब भी हमें पता करना होगा कि भैया आपका क्लेम कितना हुआ, तो जितना भी आपने पेमेंट किया होगा, जितना भी आपने पे किया होगा डायरेक्ट बिजनेस में, हमने डायरेक्ट बिजनेस में कितना पे किया जी, एक तो ये पे किया 700 और कितना पे किया हमने, ये 8 पे किया है ना बच्चे, ये हो गया, हम इसको खर्च मानेंगे क्लेम। यही नहीं, जो इनडायरेक्टली हमारे पास बिजनेस आया था उसमें हम कितना खर्च मानेंगे, 400, यानी कि जो हमारे पॉकेट्स गया, आप सब इनके बारे में सोचना, हम वो भी खर्च मानेंगे। लेकिन मेरे बच्चे जो 700 हमने यहां पे किया था इसमें से हमने आपसे कितना रिसीव कर लिया, 100, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और फिर जो नेट आएगा वही हमारा खर्च होगा। यही तो हम काम कर रहे हैं। आप देखो ना, यहां देखो आप, डायरेक्ट बिजनेस जो हमने एक्सेप्ट किया था, यहां से जो बिजनेस आया था उसमें जितना हमारा अपना क्लेम पे किया गया वो हमने क्या किया, एक्सपेंस माना। अभी अंदर में क्या है मत देखो, बस इसको देखो आप, हमने उसको एक्सपेंस माना। पर बच्चे इनडायरेक्टली जो बिजनेस हमने एक्सेप्ट किया था, कहीं से भी बिजनेस आएगा, चाहे वो डायरेक्टली आएगा चाहे इनडायरेक्टली, तो हमें क्लेम पे करना होगा। तो जो भी क्लेम हमने पे किया होगा वो भी क्या करेंगे जी, हम एक्सपेंस मानेंगे। इसमें मेरे बच्चे हमने इसको ऐड कर दिया। लेकिन अगर हमने इनडायरेक्टली बिजनेस किसी को दिया है, किसी पे ट्रांसफर किया है, तो क्लेम का कुछ अमाउंट हमने उससे रिसीव किया होगा। जितना हमने पे किया उसमें से जितना रिसीव किया माइनस करूंगा ना, तभी तो नेट अमाउंट निकल के आएगा। वही काम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट बिजनेस हमने आपका सीड किया था उससे जो भी क्लेम, ये देखो, रिसीव किया मेरे बच्चे, हमने इसमें क्या किया, इसको माइनस कर दिया, नेट अमाउंट आपका खर्च के निकल के आया। नो डाउट कि कोई एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली आपका क्लेम से जुड़ा हुआ है तो हम उसको इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आपका काम निकल गया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, हम तो समझ गए सर कि डायरेक्ट बिजनेस आएगा चाहे इनडायरेक्ट बिजनेस आएगा, दोनों में ही हमें क्लेम पे करना होगा, हमें मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होगा। हाँ, अगर उस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना बिजनेस किसी और पे ट्रांसफर किया होगा, सीड किया होगा, तो उससे क्लेम का कुछ अमाउंट रिकवर किया होगा। जितना अमाउंट रिकवर किया होगा हम उसको माइनस कर देंगे। कोई एक्सपेंसेज है मेरे बच्चे जो आपका डायरेक्टली इस क्लेम से जुड़ा हुआ, उसको ऐड कर देंगे, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्वेश्चन बताएगा, आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, यही तो बात समझाना चाहता हूँ। पता नहीं इस टॉपिक में क्या दिक्कत है, इस चैप्टर में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो पता नहीं हाहाकार मच जाता है कि ये वो कुछ भी नहीं है। आप प्लीज इसको समझ लीजिए। ठीक है सर, आगे बताइए। पर बच्चे अब ना, अब मैं क्या करूँगा, आपको अब समझाना चाहता हूँ इसके बारे में। ये तो हो गया आपका, ये समझ में आ गया आपको डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है ना, इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं, और आप हैरान हो जाएंगे कि आप टफ से टफ क्वेश्चन आप अभी बनाना शुरू कर देंगे मेरे बच्चे। थोड़ा सा मुझे पी लेने दो, शक्तियां थोड़ी सी ले लेने दो, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें मुझे आपको समझानी है। सुनिए मेरी बात, सुनिए, ये देखो क्या होता है, मैं ना एक चीज आपको दिखा रहा हूं, ये 2 साल की कहानी, 2 साल, 1 साल 2 साल आपका। इसमें क्या है, मान लो ये जो है ना बच्चे, ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा क्या है जी, करंट ईयर आपका, ठीक है ना, और ये हमारा है प्रीवियस ईयर, पिछला साल, प्रीवियस ईयर आपका है ना, 2 साल की कहानी। मैं इस करंट ईयर का, करंट ईयर का जो कि मान लो 1 जनवरी से शुरू होता है एंड 31 दिसंबर को खत्म होता है, मेरे बच्चे इस साल का मैं जानना चाहता हूं कि इस 1 साल के अंदर में हमने टोटल कितना क्लेम एक्सपेंस के रूप में दिखाना है। क्लेम आपका एक्सपेंस के रूप में कितना होगा वो हमें यहां पर दिखाना है, ठीक है ना। सुनिए,
इस बात को जानने के पहले मेरे बच्चे कि इस साल का क्लेम हमारा एक्सपेंस कितना होगा, आपको पहले इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम पे करती है तो कौन कौन से स्टेप से चीजें गुजरती है पहले वो जानना पड़ेगा, उसके बिना तो आप काम ही नहीं कर सकते। और मैं आपको बताता हूं क्या होता है। ये देखिए, ये एक आदमी है मिस्टर ए, इसकी मेरे बच्चे एक बहुत प्यारी कार है। अब मुझे कार ठीक से बनाने नहीं आता, मान लो बहुत प्यारी कार है। और इस आदमी ने क्या किया था कि LIC कंपनी, जिस कंपनी का अकाउंट आप संभाल रहे हैं, उससे अपने कार को इंश्योर्ड कराया था, इंश्योरेंस कराया था कि भैया कार मेरा लॉस्ट हो जाएगा या डैमेज तो मुझे कंपनसेशन पे कर देना। मेरे बच्चों पता क्या हुआ, एक बार मिस्टर ए का ये जो कार है ना, ये आपका डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो ए ने क्या किया, कार को उठाया और उठा के चला गया LIC कंपनी के पास, बोला LIC कंपनी भैया, LIC कंपनी भैया, मेरा कार डैमेज हो गया है, मुझे क्लेम पे करो। आपको क्या लगता है कि आप कार को उठाकर लेकर जाओगे और उनको बोलोगे कि हाँ जी कार मेरा डैमेज हो गया, मुझे क्लेम पे करो, और वो क्लेम आपको पे कर देंगे? ऐसा लगता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। पता क्या होता बच्चे, पहले होता है आपका इसका IBNR। सर IBNR क्या होता है मेरे बच्चे? इसका फुल फॉर्म होता है इंटीमेटेड बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड। एग्जाम में कभी कभी क्या करेगा, ये शॉर्ट नाम ही दे देगा IBNR, क्योंकि इसका इंश्योरेंस कंपनी के लैंग्वेज में हम इसको IBNR कहते हैं। कभी कभी हो सकता है मेरे बच्चे पूरा नाम दे दे, इंटीमेटेड बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इंटीमेटेड आपने, यानी कि मिस्टर ए ने आपने हमें इन्फॉर्म तो कर दिया, लेकिन अभी तक हमने क्लेम को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे बच्चे कि आपने उनको बोल दिया क्लेम आपको मिल जाएगा। पता क्या होता है, इसके बाद अब शुरू होता है इंक्वायरी। इंश्योरेंस कंपनी के जो लोग होते हैं वो इंक्वायरी करते हैं कि यार ये कार ठीक से डैमेज हुआ कि नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि बदमाश की कार ठीक से नहीं चल रही थी या पुरानी हो गई थी और इसने क्या किया, जानबूझ के एक्सीडेंट करा दिया या जानबूझ के चोरी करा दिया। तो पूरी इंक्वायरी आपकी होती है कि आपने प्रॉपर तरीके से मतलब कार को डैमेज किया है कि नहीं किया है। ये आपका था मेरे बच्चे पहला स्टेज, जिसको बोलते हैं IBNR, और फिर यहाँ से इंक्वायरी शुरू होती है। जब मैं छोटा बच्चा था, आपके जैसा दिखता था, तो हमारे ज़माने में एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था अजनबी। पता नहीं आपने उस मूवी को देखा है कि नहीं देखा है। बॉबी देवल था, वो क्या नाम उसका जी, अक्षय कुमार था मेरे बच्चे, बिपाशा बासु थी और वो करीना कपूर, चार लोग थे। वहाँ पे बिपाशा बासु का डेथ हो जाता है और उसी पे क्लेम के ऊपर कहानी एक्चुअली आपका, और वो जाके जो उसका पति था अक्षय कुमार, वो IBNR करता है, इंटीमेटेड बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड। फिर उस पर चलता है इंक्वायरी। अब वो टोटल का टोटल जो मूवी है ना, वो इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड है। मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा तो फिर मूवी सुनाना शुरू हो जाएगा, कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। आप उस मूवी को देख लेना, मैंने बताया वो स्टेज जब इंक्वायरी शुरू होती है, दैट इज कॉल्ड IBNR मेरे बच्चे, IBNR, याद रहेगी बात? ये सर। फिर जब आपका इंक्वायरी पूरा हो जाता है ना, जब पूरा इंक्वायरी हो जाता है, तो फिर मेरे बच्चे ये बन जाता है आउटस्टैंडिंग क्लेम। अब आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, मतलब जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी से आपका फ़ोन या मैसेज आएगा कि भैया हमने आपकी पूरी इंक्वायरी कर ली है, अब कुछ दिनों में हम आपका पेमेंट कर देंगे। अभी पेमेंट किया नहीं, पेमेंट कर देंगे, दैट इज कॉल मेरे बच्चे आउटस्टैंडिंग। और इसके कुछ समय के बाद फिर क्या होता है कि क्लेम आपका पे कर दिया जाता है। ये स्टेज चलते हैं जो आपका क्लेम को लेकर चलता है। अब सुनो ना मेरी बात, आपका ये करंट ईयर में आपने जो क्लेम पे किया है, क्वेश्चन कहता है कि जो हमने क्लेम पे किया है, वो क्लेम पे किया मान लो 8 लाख रुपीज़ का अमाउंट, 8 लाख रुपए, 8 लाख हमने क्या किया जी, मतलब हुआ क्या कि जिनका IBNR हो चुका है, आउटस्टैंडिंग हो चुका है, जो फिर पे हो चुका है मेरे बच्चे इस साल में, जो पे हो चुका वो 8 लाख रुपीज़ है, ठीक है ना, 8 लाख रुपये। नाउ क्वेश्चन कहता है कि साल के एंड में, यहाँ पे साल के एंड में मेरे बच्चे वो कहता है कि अभी कुछ क्लेम जो है ना वो आउटस्टैंडिंग है, और मान लो कहता है कि 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका, 2 लाख रुपए। मेरे प्यारे बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी को गवर्न करने वाला IRDA है। हमने क्या बोला जी, IRDA। ये सारी बातें मैं आपको थ्योरी में समझाऊंगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये IRDA ने जो बताया है उसी के मुताबिक हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं। जैसे बैंकिंग कंपनी में आपने सीखा था कि बैंकिंग कंपनी में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका है, RBI गवर्न करता है, उसी तरीके से यहाँ पे IRDA गवर्न करता है बच्चे। तो IRDA ने कहा है कि भैया एक साल में जितना आपने क्लेम पे किया वो तो आपका एक्सपेंस है ही,
जो साल के एंड में आपका आउटस्टैंडिंग है ना, वो भी करंट ईयर का ही एक्सपेंस है, एक्रुअल बेसिस जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आपने जो पे कर दिया वो भी एक्सपेंस है। यही नहीं, जो साल के एंड में आपका आउटस्टैंडिंग है 2 लाख रुपए, वो भी आपका एक्सपेंस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, जितना भी क्लेम हमने पे किया मेरे बच्चे, वो उसके साथ साथ जो आउटस्टैंडिंग आपका एंड में, हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यही नहीं मेरे बच्चे, हमारा IRDA कहता है कि LIC यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, अगर कोई इस साल करंट ईयर में कोई IBNR हो चुका है, अगर कोई IBNR हुआ है, मतलब इंटीमेट किया गया है बट आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, और वो भी अगर साल के एंड में पड़ा हुआ है IBNR, तो उसको भी आपको करंट ईयर का एक्सपेंस मानना है। अगर साल के एंड में यानी कि इस साल के अंत में कोई भी क्लेम अगर इंटीमेट भी हो गया आपके पास ना, तो उसको भी आपको करंट ईयर का एक्सपेंस मानना होगा। ऐसा IRDA बोलता है किसको जी, इंश्योरेंस कंपनी को, अपना अकाउंटिंग करने के लिए, है ना बच्चे। तो इसका मतलब कि एक साल में मैं एक्सपेंस कितना मानूंगा जी, एक तो जो 8 लाख पे कर दिया वो साल के एंड में, यानी कि एंड में जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो, और यही नहीं, साल के एंड में जो आपका IBNR है मेरे बच्चे, वो भी आपको मानना पड़ेगा, है ना। यानी कि आपका टोटल जो अमाउंट निकल के आ गया, टोटल कितना बन गया आपका, 8+2+8 आपका 11 लाख रुपीज का अमाउंट, आपका 11 लाख रुपीज। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अरे बोलो ना, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा अब मुद्दा सुनो आगे का, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये तो करंट ईयर है मेरे बच्चे, पिछले साल में क्या हुआ था, पिछले साल में भी इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ क्लेम पे किया था, मान लो आपका जो भी अमाउंट पे किया था पिछले साल के एंड में भी, यहाँ पे कुछ क्लेम आउटस्टैंडिंग था, मान लो आपका अमाउंट था, सपोज दैट आपका 1,80,000 का पिछले साल, और पिछले साल के एंड में भी आपका कुछ क्लेम IBNR था, वो मान लो आपका था जी यहाँ पे सपोज दैट 20,000 का अमाउंट आपका। सुनो मेरी बात, मुझे बताओ जो पिछले साल के एंड में आउटस्टैंडिंग था वो आपने एक्सपेंस कब माना होगा, बोलो बोलो। जैसे इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है, उसको आप इस साल का एक्सपेंस मान रहे हो, तो जो पिछले साल के एंड में आउटस्टैंडिंग था उसको एक्सपेंस हमने कब माना होगा? सर पिछले साल माना होगा, बोलो ना। हाँ, अरे बोलो तो कम से कम। यस सर। तो पिछले साल मेरे बच्चे आपने क्या किया होगा जी, जितना क्लेम पे किया उसमें हमने इस 180 को ऐड किया होगा। यही नहीं, पिछले साल जो IBNR था वो भी हमने यहाँ पे ऐड किया होगा। सुनो ना मेरी बात, मेरी बात सुनो ना। जो क्लेम मेरे बच्चे पिछले साल के एंड में आपका आउटस्टैंडिंग था, पे नहीं हुआ था, ये ऑब्वियस बात है कि वो अब आपको इस साल पे कर दिया गया होगा, बोलो। हाँ, अरे जो पिछले साल आपका आउटस्टैंडिंग था मेरे बच्चे, पिछले साल पे नहीं हुआ था, वो 180 तो इस बार पे हुआ होगा ना, अगर सब कुछ स्मूथ चलता है तो IBNR फिर आउटस्टैंडिंग फिर कुछ दिनों में पेमेंट होना, तो ये जो आपका 180 है वो आपका पे हुआ होगा करंट ईयर में। और अगर पे हुआ है तो ये जो 180 का अमाउंट है मेरे बच्चे, वो भी इसके अंदर मिला हुआ है, क्योंकि ये पूरे एक साल में जितना आपने क्लेम पे किया वो सारा बता रहा 8 लाख रुपए का अमाउंट। तो इस 8 लाख रुपए में ये भी तो हमने पे किया होगा, यानी कि अगर हमें ये जानना है कि करंट ईयर का एक्सपेंस कितना होगा, ये 180 मेरे बच्चे पिछली बार ऑलरेडी एक्सपेंस मान लिया गया, हम दोबारा क्यों मानेंगे इस 180 को, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग आपका पिछले साल का एंड यानी कि इस साल के स्टार्टिंग में है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, हमें क्या करना होगा जी, उसको माइनस करना होगा। कोई पूछते ऐसा क्यों, तो आप बताना कि हमारे सर ने बोला है कि यार जो आउटस्टैंडिंग था वो इस बार पे हुआ होगा, और जब पे हुआ होगा तो ऑब्वियस बात है कि ये अमाउंट इसमें मिला हुआ है वो इस बार का खर्च नहीं है, उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यही नहीं, जो पिछले साल के एंड में मेरे बच्चे IBNR था वो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग हुआ होगा और फिर पे हो गया होगा, बोलो ना। अगर सब कुछ स्मूथली चला तो स्टेज तो वही आया होगा ना, IBNR फिर आउटस्टैंडिंग फिर पे हो चुका होगा। तो ये जो आपका 20,000 का अमाउंट था जो पिछले साल का एक्सपेंस है, अगेन इस बार पे हो चुका है, क्या दोबारा यहाँ पे एक्सपेंस होगा क्या? नहीं सर, कैसे दोबारा एक्सपेंस होगा, वो तो पिछली बार का एक्सपेंस था मेरे बच्चे, वो 20 भी इसमें पे हुआ है, उस 20 को भी हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यानी कि अगर कोई IBNR भी आपके पास ओपनिंग में दिख रहा है तो उसको भी हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। एक सवाल आपके दिमाग में आ गया, सर कोई ज़रूरी है क्या कि जो यहाँ पे IBNR था वो यहाँ पे होगा ही होगा, हो सकता है कि उसके बाद क्लेम डिसमिस हो गया,
हो सकता है मेरे बच्चे, वो भी हो सकता है, बट अगर होगा तो वो क्वेश्चन बताएगा, अभी हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे। बट यहाँ पे अभी हम यही मान रहे हैं जब तक कुछ ना बताए कि सब कुछ स्मूथली हुआ, आई वी आर हो चुका है ना, तो फिर आउटस्टैंडिंग हुआ होगा, फिर पे हो चुका होगा। और अगर पे हो चुका है मेरे बच्चे तो हम क्या करेंगे जी कि आपका यहाँ पे उसको माइनस करेंगे। तो इन शॉर्ट जितना क्लेम आपने करंट ईयर में पे किया है, एंड में जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग है, एंड में जितना भी आपका आई बिनार उसको ऐड कीजिए, ओपनिंग वाले को माइनस कीजिए, आपका निकल के आएगा। वही काम किया है आप देखो ना, आपको वही चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे नजर यहां डालेंगे, ये देखिए आप क्लेम जो हमने पे किया उसको लिखा, आई बी एन आर हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, आई बी एन आर हो चाहे आउटस्टैंडिंग, अगर एंड में है, एंड में, तो हम उसको क्या कर रहे हैं जिसमें ऐड कर रहे हैं, है ना बच्चे, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। और साल के स्टार्टिंग में बच्चे कुछ आई बी एन आर है, साल के स्टार्टिंग में कुछ अगर आपका क्लेम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या कर रहे हैं उसको माइनस कर रहे हैं, फिर जो अमाउंट आपका बाहर चला गया। सेम चीज़ यहाँ भी किया जा रहा है, बिजनेस अगर आपका डायरेक्टली आया हो चाहे इनडायरेक्टली, जितना क्लेम हमने पे किया लिया, आई बी एन आर या फिर आउटस्टैंडिंग जो एंड में है, हम उसको ऐड कर रहे हैं, ये देखिए ऐड कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, आपका स्टार्टिंग वाला अमाउंट बाहर चला गया। और जो बिजनेस हमने सीड किया है, अगर हमने किसी को बिजनेस सीड किया है, तो वहाँ पर क्या होगा जी, या तो क्लेम रिसीव हुआ है या फिर रिसीवेबल है, है ना, या तो पैसा हमने रिसीव कर लिया है फिर रिसीवेबल है। तो आपने क्या करना है, एक साल में जितना रिसीव कर लिया है या फिर जितना एंड में रिसीवेबल है, वो इस साल का ही है ना, हम ऐड कर देंगे, पिछले साल का कुछ है तो उसको माइनस कर देंगे, नेट अमाउंट बाहर आएगा। ध्यान रखना इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, इसको हम माइनस कर रहे हैं बच्चे, ब्रैकेट में आपका है, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं हमारा एक्सपेंस कितना है, और जितना एक्सपेंस हुआ उसमें से इतना हमने रिकवर्ड किया हुआ है, फिर नेट अमाउंट आएगा एक्सपेंसिव और काम खत्म हो गया। यही तो बात है, आप मेरी बातें समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक वर्ड भी आप रटे। जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा दिखता था, हमारे बदमाश सर ने क्या किया था, इसको रटा दिया था। अब बताओ मैं क्या करूं, रटने से थोड़ी चीज समझ में आता है। अरे मैं क्या परेशान हो गया था, मेरे बच्चे परेशान हो गया था। फिर मैंने कितना तपस्या किया, मैं क्या बताऊं, 450 साल से तपस्या हिमालय पर करने के बाद फिर ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया। सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तो आप प्लीज कुछ भी नहीं रटे, एक एक वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जी। फायर मरीन मिसलेनियस तीन बिजनेस में हम अकाउंटिंग के लिए इसको डिवाइड कर रहे हैं, और उसके लिए तीनों का अलग अलग हम क्लेम निकालेंगे। बिजनेस डायरेक्टली आएगा चाहे इनडायरेक्टली आएगा, क्लेम पे किया जाएगा वो लिया। जब बिजनेस हम किसी को सीड करेंगे मतलब ट्रांसफर करेंगे, तो हम वहाँ से रिसीव करेंगे, माइनस करेंगे। कोई एक्सपेंसिव डायरेक्टली उसको प्लस कीजिए, क्लेम निकल के आ गया। और ये आई बी एन आर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, इन सबका मीनिंग बताया मैं बच्चे। मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे हो कि यार पता नहीं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा क्या आएगा। और मेरे बच्चे इसी बात को प्रूव करने के लिए आपको बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 7 आपको कराना चाहता हूँ। आओ ना एक बार चेक कीजिए बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 7। मैं इसको हटाता हूँ और 7th क्वेश्चन में करके आपको दिखाता हूँ, जल्दी आएंगे। 7th क्वेश्चन आप देखेंगे बुकलेट का क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। 7th क्वेश्चन पे आप आइए, 7th क्वेश्चन ध्यान देंगे। ये हमारे ICMI स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन है बच्चे, यही नहीं CA इंटर नवंबर 99 में ये क्वेश्चन आया हुआ। और एक बार कितनी बार लिखता, एक्चुअली CA और CMA का एग्जाम मिलाकर ये क्वेश्चन कम से कम 40 से 50 बार अभी तक आ चुका। सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। एग्जामिनर को जब भी इस चैप्टर से टफ क्वेश्चन बनाने का मन करता है ना बच्चे, तो वो क्लेम के ऊपर भी क्वेश्चन बना देता है और कहता है कि बहुत टफ क्वेश्चन बनाया। आप ही नहीं, बच्चों में हाहाकार मच जाता है, पूरे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में बच्चे इधर गिरते हैं उधर गिरते हैं, बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि यार इंश्योरेंस कंपनी का क्वेश्चन आ गया। लेकिन कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। आओ ना एक बार 7th क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ो, देखो क्या बता रहा है। पढ़ेंगे मेरे साथ 7th क्वेश्चन, पढ़ो ना 7th क्वेश्चन क्या बता रहा है पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स अपियरिंग इन द बुक ऑफ फायर इंश्योरेंस डिविजन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का सिर्फ फायर, ओहो ये सिर्फ मेरे बच्चे फायर की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ एक डिवीजन का। तो सिर्फ एक डिवीजन का ही हम क्लेम निकालेंगे, फिर इसका नहीं निकालेंगे, इसका नहीं निकालेंगे, जिसका बोलेगा उसी का तो निकालेंगे। अगर तीनों का बताएगा तो हम तीनों का निकालेंगे, फिलहाल एक का तो एक का निकालेंगे। पढ़ो ना क्या बता रहा है आगे, कहता है डायरेक्ट बिजनेस और फिर कहता है री इंश्योरेंस। मेरे बच्चे डायरेक्ट बिजनेस इसको बोलते हैं ये वाला, री इंश्योरेंस का मतलब या तो आपने इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्ट किया होगा या फिर इनडायरेक्ट बिजनेस आपने सीड किया होगा। री इंश्योरेंस यानी कि किसी और कंपनी ने हमसे री इंश्योरेंस कराया होगा या हमने किसी और से कराया होगा। आपको चिंता नहीं करना, जब भी अगर किसी और ने हमसे कराया होगा मेरे बच्चे, तो हमने यहाँ पे क्लेम क्या किया होगा जी, पे किया होगा, है ना, क्योंकि जब भी हमारे पास बिजनेस आएगा तो हम क्लेम पे करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी पे करना होता है। सुनो ना
कहता कि जो क्लेम पे किया है डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, मतलब डायरेक्ट बिजनेस जो एक्सेप्ट किया या फिर री इंश्योरेंस जो बिजनेस एक्सेप्ट किया, दोनों में जो क्लेम पे किया वो बता रहा है। क्लेम जो मेरे बच्चे पेबल है आपका स्टार्टिंग में एंड में वो भी आपको बता रहा है, जी स्टार्टिंग में इतना एंड में आपका इतना, है ना, दोनों का क्लेम पेबल बता रहा है आपका। फिर क्लेम रिसीव बता रहा है, क्लेम रिसीव मेरे बच्चे 2,30,000 का अमाउंट आपका, इसका जो आपका, अगर ये बच्चा, कोई बच्चा इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहा है मेरे बच्चे, तो इसका नोट्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो बच्चे मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्लास में देख रहे होंगे, आप आगे पढ़िए। कहता है कि क्लेम रिसीव में कहता है कि 230 का अमाउंट आपका क्लेम रिसीव, अच्छा जब हमने बिजनेस किसी को ट्रांसफ़र किया होगा तो क्लेम हमने रिसीव किया होगा, ठीक है। क्लेम जो रिसीवेबल है ओपनिंग में और एंड में आपको बता रहा है। फिर कहता है एक्सपेंसेज ऑफ मैनेजमेंट 2,30,000 है मेरे बच्चे, एक्सपेंसेज कहता है कि मैनेजमेंट पर 2,30,000 है, बट आप चिंता नहीं करना वो 230 में कितना एक्सपेंस आपके क्लेम से जुड़ा हुआ है वो क्वेश्चन हमेशा आपको बोलेगा। देखो ना वो बोल रहा है, कहता है कि सर्वेयर फीस 35,000, लीगल एक्सपेंस 45 फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम, यानी कि ये जो 2,30,000 का अमाउंट बता रहा है इसमें सिर्फ 35 और 45 ये जो क्लेम से जुड़ा हुआ है वो पक्का बताएगा मेरे बच्चे। आप अपने आप को भगवान मत मानना कि सब कुछ समझ आओगे, कौन कौन से क्लेम से जुड़ा कौन कौन से नहीं बताया, क्वेश्चन बताएगा आपको, वही बस देख लेना। आपको बोलता है बताओ कि कैसे क्लेम निकाला जाएगा। चलो ना मैं शुरू करता हूँ, आप लिखिए मेरे साथ सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 और आप कर रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम। आप लिख रहे हैं मेरे साथ यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम आपका क्लेम। हम लोग सिर्फ फायर वाले डिवीजन का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, सिर्फ एक कॉलम बनाएंगे बच्चे और वो किसका, फायर का। काश यहाँ पे मरीन का भी होता है, मिसलेनियस का भी होता तो तीन कॉलम बनाता, कोई बात नहीं। लिखो ना डायरेक्ट बिजनेस, बिजनेस एक्सेप्टेड, जो आपने डायरेक्टली बिजनेस एक्सेप्ट किया है पहले उनका देख ले यहाँ पे उनका क्वेश्चन। और एक बात बताऊं, ये तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, मुझे रियली बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का मन नहीं करता। सर ऐसा क्यों? अरे इस बदमाश ने, आप देखो जरा यहां पे कि जो क्लेम पेड है ना, क्लेम पेड वो तो ठीक है, फिर क्लेम पेबल की बात कर दिया, मतलब पेड बता रहा है आपका पेबल यानी कि आउटस्टैंडिंग बता रहा है, आईबीएनआर की बात कर ही नहीं रहा है। ओहो काश इसमें आईबीएनआर होता मेरे बच्चे, उसको भी प्लस माइनस करता। लेकिन ये एग्जाम का क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, इससे टफ नहीं पूछते हैं, तो कोई बात नहीं जी। अगर आईबीएनआर के बारे में नहीं बताओगे तो जितना इन्फॉर्मेशन हम उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ही है, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो लिखिए क्लेम पेड, क्लेम आपका पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर जितना क्लेम हम लोगों ने पे किया मेरे बच्चे वो लीजिए, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड कीजिए, क्या जी, पेबल, पेबल यानी कि आउटस्टैंडिंग पेबल एट द एंड ऑफ ईयर। अभी आगे क्वेश्चन आएगा जहां पे आईबीएनआर की बातें होंगी, आप चिंता नहीं करना, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो मेरे बच्चे जितना क्लेम पे किया वो लेंगे, जितना पेबल है एंड में उसको ऐड करेंगे, और आप यहां पे लेस करेंगे क्या जी, पेबल, पेबल एट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग साल के स्टार्टिंग में जो आपका पेबल है बिगनिंग ऑफ ईयर उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे आपका लिस्ट करेंगे, है ना। तो मुझे बताओ ना कि जो डायरेक्ट बिजनेस आपके पास आया है उसमें क्लेम कितना पे किया है, चेक करो आप। कहता है कि 46,70,000, अंदर लिखिए आप, यहाँ पे अंदर लिखेंगे 46,70,000। जो क्लेम पेबल है मेरे बच्चे डायरेक्ट बिजनेस में, जरा बताओ एंड में कितना है, क्योंकि हम एंड वाला प्लस करते हैं, 8,12,000। लिखो ना 8,12,000 हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और साल के स्टार्टिंग में जो है मेरे बच्चे 763 हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ईयर को थोड़ा छोटा कर दूं क्या मैं यहाँ पे, 7 लाख कितना बता रहा आपको यहाँ पे, 63,000, है ना, 763। इस 763 को हम इसमें प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, सर माइनस करेंगे, तो बताइए अमाउंट कितना चला गया, जल्दी बताइए अमाउंट कितना चला गया, आप भी करो ना साथ साथ में। 46,70,000 प्लस मेरे बच्चे 8,12,000 और माइनस आपका 763,000, तो ये आ गया आपका 47,19,000 का अमाउंट आपका। समझ लो मेरी बात ना, अभी जो समझाया था जी, जितना पे किया जितना एंड में पेबल है, अब जो पे किया उसमें इतना पिछले साल का उसको हटा दीजिए, अमाउंट आप यहाँ लिखिए। इसके बाद मेरे बच्चे इनडायरेक्ट,
इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड। आपका दिमाग आप काम करना शुरू कर दे कि बिजनेस जब भी हम एक्सेप्ट करते हैं ना तो हमें प्रीमियम मिलता है, बट क्लेम हमें पे करना होता है, तो जितना पे करेंगे उनको हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो बताइए जरा कि जो बिजनेस इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया है उसमें क्लेम पेड कितना बता रहा है, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर। जल्दी से बताओ री इंश्योरेंस के अंदर में जो क्लेम पेड है, पेड रिसीव नहीं, वो कितना बता रहा है, पेड बताइए। सर 7 लाख, लिखो ना यहाँ पे 7 लाख रुपए का अमाउंट आपका। बच्चे ऐड कीजिए यहाँ पे पेबल, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि यहाँ भी आईवीआर की बात नहीं कर रहा है, पेबल एट द एंड, जो साल के एंड में पेबल है वो भी हमारा इस बार का एक्सपेंस है। तो एट द एंड ऑफ ईयर में कितना पेबल है जी, एंड में बताइए 53,000। इसको हमने क्या क्या ऐड किया, और आप लेस करेंगे यहाँ पे क्या जी, पेबल एट द बिगनिंग, जो साल के स्टार्टिंग में पेबल है मेरे बच्चे, पेबल एट द बिगनिंग, उसको हम क्या करेंगे यहाँ से लेस करेंगे। बताओ ना कि साल के स्टार्टिंग में पेबल कितना है, 87,000। तो मुझे बताइए अमाउंट बाहर कितना चला गया, 7 लाख में अगर हमने 53 ऐड किया तो 753,000 और माइनस आपका यहाँ पे 87,000 का अमाउंट, ये आ गया 6,66,000। लिखो जरा 666, साथ साथ लिखेंगे आप, आगे पीछे नहीं। और इसके बाद मेरे बच्चे अगर हमने इनडायरेक्ट बिजनेस अगर हमने सीड किया है, सीडेड यानी कि किसी और को ट्रांसफर करना, तो उससे हमने इसमें से कुछ क्लेम वापस लिया होगा, यानी कि क्लेम रिसीव किया होगा। बताइए क्लेम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना बता रहा है, क्लेम जो रिसीव किया है मेरे बच्चे ड्यूरिंग द ईयर वो कितना बता रहा है। सर क्लेम रिसीव कहता है 2,30,000। तो लिखो ना आप यहाँ पे 2,30,000 का अमाउंट आपका। आप इसमें ऐड कीजिए रिसीवेबल एट द एंड, साल के एंड में जो रिसीवेबल है वो भी इस पर कहीं माना जाएगा जी, एक्रूअल बेसिस पर काउंटिंग हो रहा है, 1,13,000। और आप इसमें से माइनस कीजिए क्या जी, रिसीवेबल एट द बिगनिंग, जो साल के स्टार्टिंग में आपका रिसीवेबल है हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उम्र बच्चे ये अमाउंट आपका 65,000 का है, 65,000 है ना। बताओ जरा ये अमाउंट बाहर कितना चला गया, बताओ जरा अमाउंट कितना निकल के आ गया, 2,30,000, 113,000 और माइनस आपका 65,000। तो ये मेरे बच्चे 2,78,000 का अमाउंट चला गया। इसको प्लस करूं कि माइनस करूं, सर माइनस करेंगे है ना, क्योंकि मेरे बच्चे ये पे किया ये रिसीव किया है। इसके बाद हमने कहा था अगर कोई एक्सपेंस जो आपका क्लेम से जुड़ा हुआ है तो क्वेश्चन पक्का बताएगा, आपको उसको लिख देना होगा। जरा बताओ ना क्वेश्चन पढ़ के कि जो एक्सपेंसेज ऑफ मैनेजमेंट 230 का बता रहा है उसमें कितने ऐसे खर्चे हैं जो आपके क्लेम से जुड़ा हुआ बता रहा है। कहता है कि इसमें सर्वेयर फीस जो है वो आपका मिला हुआ है 35,000, उसको ऐड कीजिए है ना, क्लेम का खर्च माना जाता है। और इसमें ऐड कीजिए बच्चे जो लीगल एक्सपेंसेस बता रहा है, लीगल एक्सपेंस मैंने कहा था ना आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, कौन कौन से खर्चे क्लेम से जुड़े हुए साफ साफ शब्दों में बताएगा, यहाँ भी आगे के सारे क्वेश्चन में आप चिंता ना करो। कितना अमाउंट 45,000, इनको प्लस माइनस करके अब जो अमाउंट आएगा वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्लेम। जरा बताओ कितना निकल के आ रहा है, देखो ना 47,19,000 प्लस आपका 666,000 माइनस कीजिए 2,78,000 और प्लस कीजिए आपका दोनों मिला के 80,000, ये आ गया 51,87,000 का अमाउंट। यही हो गया मेरे बच्चे आपका नेट क्लेम। एक बार दोबारा देख लूँ, कैलकुलेशन कुछ गलत तो नहीं कर रहा, 47,19,000 प्लस 666 का अमाउंट और माइनस कीजिए आप 2,78,000 और फिर इसमें प्लस कर दो 80,000 का अमाउंट, तो मेरे बच्चे नो डाउट कि 5187 आएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो मेरे बच्चे यानी कि आप इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पाएंगे बताओ जरा आप क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या परेशानी इस क्वेश्चन के अंदर में, क्यों मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अरे मैंने कहा ना भरमार है मेरे बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे बने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन मैक्सिमम बने हुए हैं।
मैं बताऊँ ना, पता नहीं इस चैप्टर में बच्चों को क्या हो जाता है, क्यों इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे प्यारा चैप्टर ये है, मैं पूरे क्लास में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो एग्जाम में आया था, चाहे आपके चाहे सीए वालों के एग्जाम में, ये क्वेश्चन हमेशा या तो 6 मार्क्स में आया या फिर 8 में या फिर 10 मार्क्स में, सेम क्वेश्चन कभी 6 कभी 8 कभी 10 में आता है। आप मुझे बताइए कि अगर हमारे एग्जाम में सेम क्वेश्चन 1 मार्क में आ गया, 1 नंबर में, तो क्या हम नहीं कर पाएंगे क्या? क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये क्वेश्चन मेरे बच्चे आपका 1 नंबर में आ गया तो आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखिए आपका, ये आपको एक रफ शीट आपको मिला हुआ है, 1 मार्क के क्वेश्चन बता रहा हूं कि कैसे करना, आपने रफ शीट मिला हुआ है। मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन का किसी भी वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं क्या करूंगा जी, मैं क्या करूंगा मेरे बच्चे, जैसे ये मेरे पास पेज है, रफ शीट मेरे पास एग्जाम के अंदर में, मेरे पास कैलकुलेटर है, क्वेश्चन के अंदर में फटाफट क्या करना है, कैलकुलेटर में ये प्लस करना, ये प्लस करना, ये माइनस करना है। कितना आ गया जी, 47,19,000। तो मैंने क्या किया, फटाफट लिखा यार, एक आ गया 47 लाख, कितना 19,000, है ना। यहाँ पे ये भी काम कैलकुलेटर में कर सकते हो आप, लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर सेफ वे में थोड़ा टाइम देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लिए। फिर अब ये कितना होगा जी, ये प्लस ये माइनस, सब कुछ जानते हो, बस फटाफट कैलकुलेटर में काम करना है। 666 का अमाउंट यहाँ पर लिख देना जी, 7 कैंसिल कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं लिखना, कोई सजाना नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। ये कितना अमाउंट आ गया जी, -278 आपका, -278, ये दोनों कितना हो गया, 80,000 आपका। कितना आ गया अमाउंट आपका, 51,87,000। अच्छा 51,87, फटाफट क्या करेंगे जी कि जहां पे आपको अगर एमसीक्यू में आ गया तो वहां पे टिक मार्क कर देंगे, जहां पे फिल करना होगा वहां पे वो आंसर लिख देंगे, काम खत्म हो गया। अगर क्वेश्चन 1 मार्क में आ गया मेरे बच्चे, अगर यही क्वेश्चन आपका 2 मार्क में आ गया तो भी यही काम करेंगे। हाँ अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ गया, 4 मार्क्स में, और कहता है बताओ जी कितना क्लेम आपका निकल के आएगा, तो 4 मार्क्स में यहाँ पे थोड़ा सा सजाएंगे। पता है क्या, मैं 4 मार्क्स या उससे ज़्यादा में ऐसे ही लिखूंगा, रफ शीट के अंदर में ऐसे ही लिखूंगा, और मैं कहीं भी स्केल से काम नहीं करने वाला, कोई स्केल से काम नहीं, जैसे मैंने किया ना उसी तरीके से फटाफट आपने लिखा, प्लस माइनस किया, क्योंकि 4 मार्क्स या उससे ज़्यादा मेरे बच्चे हो सकता है कि आपका एग्जामिनर जो हो ना उसको चेक करे ऐसे। ये रफशीट के नाम से आपका इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है, बट इनकेस बोलता है कि अगर हम चेक करेंगे भी तो कोई बात नहीं, वो कर सकता है जी, और आपको थोड़ा सा आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन में दिखाना होगा। तो आप मेरी बात समझ गए ना, आपको रफशीट को सजाना नहीं है, जितना आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है उतना ही रफ करेंगे, बाकी आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए, तो ये क्वेश्चन हमने ख़त्म किया, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ इसी टॉपिक पे, क्वेश्चन नंबर 24, आप जल्दी से आएंगे क्वेश्चन नंबर 24। सर बीच के क्वेश्चन, अरे सब करेंगे बदमाश, आओ तो पहले क्वेश्चन नंबर 24 आपका चेक करेंगे, ये भी आपके एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन है, पढ़िए आप, पढ़ो जरा, पढ़ो क्या बता रहा है। 24 क्वेश्चन पढ़ेंगे, कहता है कि मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनीज फायर इंश्योरेंस डिविजन प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, शो द अमाउंट ऑफ क्लेम एज इट वुड अपियर इन द रेवेन्यू अकाउंट फॉर दियर एंडिंग ऑन 31st March 2011। बहुत पहले क्वेश्चन है लेकिन आपको अच्छा लगेगा, पढ़ो ना क्या बता रहा है। डायरेक्ट बिजनेस री इंश्योरेंस, कहता कि क्लेम जो पे किया आपका डायरेक्ट में री इंश्योरेंस में, क्लेम जो रिसीव किया आपका री इंश्योरेंस में, क्लेम पेबल कहता है स्टार्टिंग में एंड में, क्लेम रिसीवेबल कहता है स्टार्टिंग में एंड में, एक्सपेंसेज कहता है कि मैनेजमेंट पे 345 हुआ है लेकिन ब्रैकेट में कहता है कि 38 सर्वेयर फी है, 42 आपका लीगल एक्सपेंस जो सेटलमेंट ऑफ क्लेम से जुड़ा हुआ है। पता ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाएगा, सेम चीज़ें मेरे बच्चे, उसने फिगर को शफल कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद करें, घर में करें, बट फिर भी मैं जानता हूं कि आप बहुत बदमाश हो, आप घर में ट्राई नहीं करोगे और अभी के अभी आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाए। फटाफट मेरे साथ कीजिए आप इस क्वेश्चन को, फटाफट करेंगे आप कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम आपका, फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, है ना। तो ये लीजिए आपका जी, यहाँ भी क्वेश्चन हमारे पास एक डिवीजन कहीं दिया हुआ है और डिवीजन कौन सा बता रहा है यहाँ पे आपका, अगेन यहाँ भी फायर कह रहा है, तो किसी का भी करे क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होगा आपका, फायर का हो चाहे मरीन का हो चाहे मिसलिनियस में आपका आ जाए, है ना। लिखो ना मेरे साथ फटाफट, लिखेंगे आप यहाँ पे डायरेक्ट बिजनेस साथ साथ लिखेंगे, सर हो जाएगा नहीं बदमाश फिर भी लिखना है, क्योंकि इस चैप्टर में हम, मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे बच्चे 100% मास्टरी करें। डायरेक्ट बिजनेस एक सेपरेट आपका, यहाँ भी आप देखो ना, जितना क्लेम हमने पे किया है, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर वो लीजिए अमाउंट आपका,
ऐड कीजिए, यहां भी इस क्वेश्चन में आई बी आर नहीं बोलना है, तो जो पेबल आपके पास है, पेबल एट द एंड, साल के एंड में आप एंड लिख सकते हो, क्वेश्चन में अगर डेट दिया तो डेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एंड लिख देता हूँ, उसको ऐड करेंगे और लेस करेंगे आप यहाँ पे क्या, पेबल, पेबल एट द बिगनिंग आपका, एट द बिगनिंग है ना, तो पेबल एट द बिगनिंग, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, अगर ये क्वेश्चन मान लो 4 मार्क्स का आता बच्चे, तो 4 मार्क्स में पता हो क्या क्या पूछ सकता है, बोलेगा बताओ जी कि जो डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड हुआ उसमें क्लेम कितना आपका निकल के आएगा, जो इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड किया उसमें क्लेम कितना होगा, जो बिजनेस सीड किया उसमें क्लेम हमने कितना रिसीव किया और नेट क्लेम कितना होगा, ये पार्ट पार्ट में आपसे पूछेगा, क्वेश्चन के सब पार्ट होंगे, आप आराम से निकालेंगे मुझे विश्वास है। आप मुझे बताइए कि क्लेम पेड यहाँ पे डायरेक्ट बिजनेस में कितना बता रहा है, 35 लाख, लिखो ना यहाँ पे 35 लाख, 30,000 का अमाउंट आपका, 35, 30। आप मुझे बताइए कि पेबल आपका एंड में कितना है, पेबल देखना, पेबल एंड में, वो भी तो पेबल मेरे बच्चे 31 मार्च 2011 को यानी कि एंड में कहता है डायरेक्ट बिजनेस में 875, तो 875,000 को आप ऐड करेंगे, है ना, ये ऐड हो रहा है, और माइनस कीजिए जो आपका स्टार्टिंग में पेबल है वो कहता है कि 823,000 को आप माइनस करेंगे, तो मुझे बताओ जरा ये अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा जी, 35 लाख 30,000, इसमें आप ऐड कीजिए 875,000 और माइनस करेंगे आप 823,000, मेरे बच्चों ये आ गया 3582, ये 35,82,000 का अमाउंट आपका निकल के आ गया, है ना, डायरेक्ट बिजनेस आपका। इनडायरेक्ट बिजनेस जब भी बिजनेस हम एक्सेप्ट करेंगे, इनडायरेक्ट बिजनेस जब भी बिजनेस एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, तो हम क्लेम पे करते हैं, है ना बच्चे, क्योंकि जब बिजनेस एक्सेप्ट होगा ना तो प्रीमियम आता है, बट क्लेम फिर पे करना पड़ेगा उसके बदले में, तो इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड में जरा बताएं क्लेम पेड। सर आपने काट दिया, हम भी काट दें, अरे नहीं बदमाश, गलती सुपर चला गया, आप आराम से लिखेंगे जैसे ऐसे लिखा था, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, बताइए क्लेम जो पे किया है वो री इंश्योरेंस में कितना पे किया है, री इंश्योरेंस में क्लेम पेड, पेड देखना रिसीव नहीं, 820,000, है ना बच्चे, जो हमने पे किया है। फिर आप यहाँ पे ऐड कीजिए, ऐड करेंगे क्या जी, पेबल, पेबल एट द एंड, साल के एंड में जो मेरे बच्चे पेबल है आपका री इंश्योरेंस में, वो बताइए कितना है, री इंश्योरेंस में जो पेबल आपका 87,000, तो आप यहाँ पे 87,000 को ऐड कर दो, 87, और लेस कीजिए आप यहाँ पे पेबल, लेस करेंगे पेबल एट द बिगनिंग, जो साल के स्टार्टिंग में आपका पेबल है उसको आप यहाँ लेकर आइए, तो साल के स्टार्टिंग में कितना पेबल है बच्चों जल्दी बताओ, पेबल आपका स्टार्टिंग में कहता है कितना जी, 58,000, है ना, 58,000, री इंश्योरेंस में चेक करना आप लोग, तो बताओ ये अमाउंट बाहर कितना चला गया, हमने कहा कि 820,000 प्लस आपका 87,000 प्लस 87,000 माइनस आपका 58,000, ये आ गया बच्चे 849, तो यहाँ पे 849,000 का अमाउंट हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना, और फिर आप यहाँ लेते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बिजनेस ट्रांसफर्ड, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, सीडेड, सर हम ट्रांसफर्ड नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बच्चे, बट जो लैंग्वेज है ना उस लैंग्वेज में आपको अपने पास को अपने आप को ढालना पड़ेगा, है ना, एग्जाम में सीडेड बोलेगा फिर क्या करेंगे, तो आदत डालो ना, क्या जाता है। फिर इसमें कहता है कि आपका हम लोग क्या करते हैं जी, क्लेम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, बताइए कि आपने जो क्लेम रिसीव किया है वो अमाउंट कितना है बच्चों, क्लेम रिसीव्ड आपका ड्यूरिंग द ईयर, चेक कीजिए ऊपर से सेकेंड लाइन री इंश्योरेंस के अंदर में, ऑब्वियस बात है ये री इंश्योरेंस में ही तो होगा, 320, ऐड करो आप यहाँ पे रिसीवेबल, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था ना वही है, बट ऊपर नीचे इसने शफल कर दिया इन्फॉर्मेशन को, कुछ भी नहीं, तो रिसीवेबल जो आपका एंड में है 142 को आप ऐड करेंगे, लेस कीजिए आप यहाँ पे रिसीवेबल, रिसीवेबल एट द बिगनिंग, साल के स्टार्टिंग में मेरे बच्चे अगर कुछ आपका रिसीवेबल है बताओ ना कितना, 85, तो आप उसको माइनस कीजिए और बताएं ये अमाउंट बाहर कितना चला गया,
बताएं कितना आ गया, 320 प्लस आपका 142,000 माइनस आपका 85,000, ये आ गया 377। आप बताओ इस 377 को प्लस करूं कि माइनस? सर माइनस करेंगे, ऐड कीजिए कोई भी डायरेक्टली खर्च जो जुड़ा हुआ है जी, जैसे कि सर्वेयर फी बता रहा है, लीगल एक्सपेंस बता रहा है, वो बताएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना। मैं सारे क्वेश्चन में दिखाऊंगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन के अंदर में भी। तो सर्वेयर फी कहता है कि 38,000 है और जो आपका लीगल एक्सपेंस है वो कहता है कि 42,000 है ना। तो बताओ जरा इनको प्लस माइनस करके कि आपका टोटल क्लेम कितना निकल के आ गया। टोटल क्लेम आपका 3582,000 प्लस 849,000 प्लस आपका 80,000, नीचे का दो को प्लस करके माइनस 377,000, ये आ गया बच्चे 41 लाख एंड 34,000 का अमाउंट आपका। क्वेश्चन खत्म हो गया, 41 लाख 34,000 क्वेश्चन खत्म हो गया। जल्दी से कॉपी करें आप, जल्दी से कॉपी करें। क्लेम के अंदर में जितनी सारी बातें हो सकती हैं वो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, सारी बातें मैंने आपको समझा दिया है। जल्दी से कॉपी करें क्योंकि मेरे बच्चे अब हमारा जो टाइम है ना, अगला टाइम वो है आपका प्रीमियम को समझने का। पहला टॉपिक क्या था जी? क्लेम निकालने वाला, हमने समझ लिया। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम देखेंगे। सेकंड टॉपिक क्या था बच्चे? प्रीमियम निकालने का। तो प्रीमियम निकालने के ऊपर में क्या क्वेश्चन बनेगा हम उसके बारे में भी समझेंगे। पहले जल्दी से आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। कॉपी कीजिए यहाँ तक आप। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CMA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hey, this is Kovan Mishra of class 11. I am Rishi, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I am doing CA Intermediate. Yeah, yeah, from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CAC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finals. मैंने YouTube पर पहली बार मित्र सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं थैंकफुल टू संतोष सर, ही इज रियली अ वेरी नाइस टीचर। अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूं तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। संतोष सर हैज क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स एंड ही गिव्स अ वेरी तगड़ा आंसर टू माय कंप्लेंट्स। थैंक्स टू COC माय कॉन्सेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। थैंक यू संतोष सर। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों। सेकंड टॉपिक हमारा क्या था? सेकंड था कंप्यूटेशन ऑफ प्रीमियम इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ प्रीमियम इनकम आपका है ना, सेकेंड टॉपिक हम अब यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, प्रीमियम इनकम, ठीक है ना। तो आप जरा स्टार्ट करेंगे, आप इसका भी मेरे साथ रेडी कीजिए फॉर्मेट। आप फॉर्मेट में वैसे ही मेरे बच्चे, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, तीन कॉलम रेडी करेंगे। यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, तीन कॉलम जाएगा, जैसे उसमें गया था ठीक उसी तरीके से। एक आपका यहाँ पे फायर, एक आपका मरीन और एक यहां पे मिसलेनियस, ठीक ना, मिसलेनियस। आप लिखेंगे डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड। जब डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्ट करोगे तो यहां लिखेंगे आप यहां पे प्रीमियम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है ना, जितना प्रीमियम हमने रिसीव किया वो लिया जाएगा यहाँ पे। इसके बाद मेरे बच्चे आप ऐड करेंगे यहाँ पे रिसीवेबल एट द
एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में जितना भी आपका रिसीवेबल है उसको ऐड कीजिए और आप इसमें लेस करेंगे रिसीवेबल एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। जब भी बिजनेस हम लोग कस्टमर से लेते हैं ना बच्चे, तो इसमें कोई डाउट ना हो, इसको मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे हम उनसे प्रीमियम रिसीव करते हैं, प्रीमियम हमारा इनकम है, हम उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो डायरेक्ट बिजनेस से जितना प्रीमियम रिसीव किया, जितना एंड में रिसीवेबल है, जितना स्टार्टिंग वाला, उसको करके अमाउंट हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट ना हो कि अगर हमारे पास इनडायरेक्ट बिजनेस आएगा वो ICICI बैंक से अगर बिजनेस हमारे पास आएगा, तो इनडायरेक्ट बिजनेस अगर एक्सेप्ट होगा वहाँ भी हमें प्रीमियम मिलेगा, है ना। आपके दिमाग में बातें बैठ रही होंगी, यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, प्रीमियम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, है ना। जितना प्रीमियम हमने रिसीव किया वो लिखा जाएगा यहाँ पे। ऐड करो बच्चे यहाँ पे अपना रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में जो आपका रिसीवेबल है उसको आप ऐड कीजिए और लेस कर दो यहाँ पे क्या जी, रिसीवेबल एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, है ना। साल के स्टार्टिंग में अगर कुछ आपका रिसीवेबल है तो हम उसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे और फिर ये जो अमाउंट आएगा उसको भी हम बाहर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी हमने रिसीव किया, ये भी रिसीव किया, नो डाउट कि आप यहाँ पे लेस करेंगे अब क्या जी, इनडायरेक्ट बिजनेस हमने जो सीड किया होगा उसके अंदर का प्रीमियम, और जो बिजनेस सीड करोगे ना बच्चे तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर। सर ऐसा क्यों, अभी बताऊंगा, लिख लो पहले आप ड्यूरिंग द ईयर जितना प्रीमियम हमने पे किया वो लिखेंगे यहाँ पे जी। इसमें ऐड कीजिए पेबल एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में जो आपको पेबल है उसको आप लिखिए और मेरे बच्चे आप लेस करेंगे यहाँ पे पेबल एट द बिगनिंग, साल के स्टार्टिंग में जो आपका पेबल है हम उसको यहाँ पे लेस करेंगे और फिर जो अमाउंट आएगा ना वो बाहर में। मजे की बात है कि ऊपर वाले जो दो अमाउंट है ना वो प्लस में है, ये आपका ब्रैकेट में है क्योंकि ये प्रीमियम हमने पे किया होगा, हम लोग इनकम निकाल रहे हैं, ये हमारा इनकम है, बट उसमें से इतना हमने पे कर दिया। फिर जो अमाउंट निकल के आएगा हम उसे कहेंगे नेट प्रीमियम इनकम आपका, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पर लिखा, ये बिल्कुल नए पेज पे आप लिख रहे होंगे, ये आपने बिल्कुल नया पेज लिया होगा, है ना। तो उस नए पेज पे हमने क्या किया, यहाँ पे काम पूरा किया। अब मेरे बच्चे ध्यान देना, जो गलती किया था उसको सुधारते हम लोग यहाँ पे, ये आपका। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रीमियम इनकम में फिर हम यहाँ पे लेस करते हैं, लेस आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ये हम लोग लेस कर रहे हैं, कौन सा, क्लोजिंग वाला। सर समझाओ ना, अभी समझाता हूँ, लिख लो पहले आप यहाँ पे क्लोजिंग वाला जो अमाउंट होगा बच्चे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट में डालिए क्योंकि हम इसको लेस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आप यहाँ लिखेंगे लेस प्रोविजन फॉर एडिशनल रिस्क। ये भी हम आपका यहाँ पे क्लोजिंग, एक काम करना अब यहाँ कुछ मत लिखो क्योंकि यहाँ मुझे परसेंटेज जो दिखाना होगा ना तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी, यहाँ परसेंटेज दिखाना है आपको। आपका प्रोविजन फॉर एडिशनल रिजर्व आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेस करेंगे और आप यहाँ पे ऐड करेंगे क्या जी, आपका प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क आपका ओपनिंग वाला आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं
और मेरे बच्चे आप यहाँ पे ऐड करेंगे, लो आप यहाँ पे ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड सॉरी एडिशनल रिस्क प्रोविजन फॉर एडिशनल रिस्क ओपनिंग वाला। सर क्यों इतनी गलती कर रहे हो? अरे लिखो तो बदमाश। आपने क्या किया बच्चे, फायर मरीन और मिसलेनियस का अमाउंट निकाला नेट प्रीमियम इनकम, उसके बाद लेस किया प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क क्लोजिंग, प्रोविजन फॉर एडिशनल रिस्क क्लोजिंग ये अनएक्सपायर्ड है, एडिशनल आपका, ऐड किया प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड आपका ओपनिंग और फिर आपका ओपनिंग। ये जो अमाउंट आपका लिया जाएगा, ये अमाउंट आपका ये होगा आपका, अगर मैं इसको ए कह देता हूँ, अगर इसको ए तो मेरे बच्चे ये होगा आपका ए का 50%। 50% किस में लिया हमने जी? फायर में। यहाँ पे मेरे बच्चे ए का आपका होगा 100% और यहाँ पे अगेन आपका ए का 50%, ए का 50%, ठीक है ना। फिर ये जो सेकंड वाला है ए पे ही, यानी कि इसी पे लिया जाएगा, बट परसेंटेज आपका लिखो, बट कितना परसेंटेज होगा वो नहीं लिख रहा मैं। सर ऐसा क्यों? उसका रीजन अभी बताऊंगा आपको। हाँ वही क्या बदमाश, यहाँ पे आपका 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50 है, और जो प्रोविजन फॉर एडिशनल रिस्क है ना आपका क्लोजिंग वाला, वो ए का परसेंटेज है, कितना परसेंटेज वो नहीं बताया, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगेन यहाँ पे लिखेंगे ए का कितना जी परसेंटेज, बट कितना लिखा रहेगा, अगेन ए का आपको यहाँ पे परसेंटेज बट रेट मैंने नहीं लिखा, ऊपर वाले में रेट लिखा या रेट नहीं लिखा। फिर नीचे में जो ओपनिंग बैलेंस है ना इसका लिख दो, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना, गिवेन गिवेन एंड गिवन, ये आपको यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर ही, गिवन अगेन गिवन एंड गिवन। और फिर जो अमाउंट प्लस माइनस करके तीनों का आएगा वो लिख देंगे आपका नेट प्रीमियम इनकम, प्रीमियम इनकम ट्रांसफर टू रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, ये ही अमाउंट आपका रेवेन्यू में जाएगा तीनों का अपना अपना। वो कितना जाएगा अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप इसकी जल्दी से कॉपी कर लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बच्चे? जल्दी बताइए हो गया आपको यहां तक? हम लोग प्रीमियम इनकम को देख रहे हैं, फायर मरीन और मिसलेनियस का, डायरेक्ट बिजनेस जो एक्सेप्ट किया, इनडायरेक्ट बिजनेस जो एक्सेप्ट किया, इनडायरेक्ट बिजनेस जो आपने सीड किया, और फिर आपको ये सारी बातें, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चे? हो गया जी आप सबका? आप बोलते ही नहीं है। हो गया बच्चों? यस सर, सारे बच्चों का हो गया, सारे बच्चों का। चलिए अब मैं आपको पहले इसका मीनिंग समझाता हूँ, फिर इसका मीनिंग समझाता हूँ क्या निकल के आता है। देखो जैसे हमने पीछे सीखा मेरे बच्चे, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ पे आपका जैसे एक LIC बिजनेस है, LIC कंपनी आपका, LIC, मान लो कोई मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी कोई भी आदमी अगर इनके पास आता है और कहता है कि भैया हमें बिजनेस दो, तो एक तो पहले हमने इसको क्या बोला था जी, डायरेक्ट बिजनेस, ये आपका डायरेक्ट बिजनेस है, जो डायरेक्ट बिजनेस आपने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेड कहाँ से जी, इनसे आपके पास आया। मुझे बताओ कि यहाँ पे जो LIC कंपनी है वो इनसे प्रीमियम रिसीव करेंगे कि पे करेगी? मुझे बताइए कि यहाँ पे आपका लास्ट में लिखा बच्चे नेट प्रीमियम इनकम ट्रांसफर टू रेवेन्यू अकाउंट, है ना, यही आपका जो नेट अमाउंट आएगा, थोड़ा जगह कम था वो जाएगा आपका रेवेन्यू अकाउंट में। जरा बताओ कि जब बिजनेस ये लोग अगर हम LIC कंपनी के पास आके पॉलिसी मांगते हैं तो मुझे बताओ कि LIC कंपनी प्रीमियम रिसीव करेगी ना बच्चे? ये सर, तो जब भी डायरेक्टली बिजनेस हमारे पास आएगा तो हमने क्या किया होगा, प्रीमियम को यहाँ पे रिसीव किया होगा, है ना। एक अगर मान लो अमिताभ बच्चन अगर ICC कंपनी के पास जाते हैं, ICC कंपनी के पास, तो मेरे बच्चे अमिताभ बच्चन ने जब इनसे पॉलिसी लिया होगा तो अमिताभ ने इनको क्या किया होगा, प्रीमियम पे किया होगा। जब LIC कंपनी अपना कुछ बिजनेस इनको देगी तो LIC कंपनी ने क्या किया, यहाँ भी बिजनेस को एक्सेप्ट किया,
मुझे बताओ कि जो बिजनेस LIC कंपनी के पास यहाँ से आया, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? जल्दी बताइए, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सर इनडायरेक्ट है। तो अगर मान लो जब यहाँ से बिजनेस आपके पास आएगा, तो मुझे बताओ LIC कंपनी इनडायरेक्ट बिजनेस पे क्लेम रिसीव करेगी कि पे करेगी? जरा बताओ, आपका पे करेगी। अरे एक बच्चा कह रहा है कि बोर्ड पूरा नहीं आ रहा, ऐसा है जी? बोर्ड पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोर्ड पूरा दिख रहा है? ठीक है, वो बदमाश ऊर्जा है, ध्यान देंगे आप कि जब भी अगर मान लो यहाँ से आपका कोई बिजनेस हमारे पास आएगा, तो यहाँ भी क्या होगा, हम रिसीव करेंगे। तो मेरे बच्चे यहाँ भी हमने क्या किया होगा जी, रिसीव किया होगा, रिसीव किया होगा। जब LIC कंपनी अगर मान लो बिजनेस कुछ आगे ट्रांसफर करेगा, मान लो HDFC बैंक ऊपर में, तो जब आपका इनडायरेक्ट बिजनेस, जब बिजनेस आपने क्या किया, इनडायरेक्टली बिजनेस आपने, अगर हमने सीड किया, मतलब किसी को बिजनेस अगर हमने दिया, तो जब हम बिजनेस किसी को देंगे, तो हमने यहाँ पे क्या क्या होगा, जो प्रीमियम हमने रिसीव किया होगा उनको हमने पे किया होगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीमियम को आप यहाँ पे करेंगे, प्रीमियम को पे करेंगे। तो यही तो काम करना है। अगर एक साल के अंदर में हमें ये जानना है मेरे बच्चे कि हमारा इनकम कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे जी, जितना डायरेक्ट बिजनेस पे रिसीव किया, ये देखिए आप, डायरेक्ट बिजनेस जो हमारे पास आया उसमें जितना रिसीव किया, या साल के एंड में जितना अभी रिसीवेबल है, जितना रिसीव कर लिया प्लस जितना रिसीवेबल है उसको ऐड कीजिए। ओपनिंग वाला क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ओपनिंग वाला पिछले साल ही इनकम मान लिया गया होगा, वो इस बार रिसीव हुआ है, तो रिसीव के अंदर मिला उसको हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। तो हमने वही काम किया, जितना प्रीमियम रिसीव किया प्लस जितना रिसीवेबल एंड में है, माइनस आपका रिसीवेबल ओपनिंग का हटा के अमाउंट आपने यहाँ पर लिखा। इनडायरेक्ट बिजनेस में भी वही काम किया, जो बिजनेस हमने सीड किया बच्चे, वहाँ पे हमने पे किया है आपका एंड में, जितना पेबल है एंड में, जितना ओपनिंग का माइनस के अमाउंट किया, और याद रखना ये हमने रिसीव किया पे किया, नेट अमाउंट निकल गया। अब मैं आपका इसका मीनिंग समझाता हूँ, ये क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सारी बातें यहाँ पर क्लियर होंगी। सुनिए मेरी बात ध्यान से, पता है ये एक COC इंश्योरेंस कंपनी की कहानी सुना रहा हूँ, मतलब ये कंपनी बिल्कुल नई नई मार्केट में आई है, और शायद इसलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है मेरे बच्चे। COC इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे 3 साल की मैं कहानी कर रहा हूँ, ये मेरा पहला साल है, ये मेरा बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, ये मेरे बिजनेस का सेकेंड ईयर है, और ये मेरे बिजनेस का थर्ड ईयर है, 3 साल की यहाँ पर कहानी है। पता है पहले साल में, ये फर्स्ट ईयर में मैंने जितना जो प्रीमियम कमाया ना, इस तरीके से मैंने प्रीमियम निकाला जी, और मेरा जो प्रीमियम इनकम निकल के आया, प्रीमियम वो बना आपका यहाँ पे मान लो 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये का यहाँ पे प्रीमियम बना, है ना। पहले साल में जितने लोगों ने आके मुझसे पॉलिसी कराया, उन सब पे मैंने क्या किया जी, 5 लाख रुपये का उनसे प्रीमियम लिया। अब देखो, जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं, आपने पढ़ा है टैक्स भी ग्रुप 1 के अंदर में, तो क्या होता है जी कि जितना भी इनकम होता है ना बच्चे, उसमें से हम एक्सपेंसेज को माइनस करते हैं। एक्सपेंसेज मान लो इस साल मेरा 1 लाख रुपए का हुआ, 1 लाख, और 4 लाख रुपए जो आपका निकल के आया वो मेरा क्या बन गया जी, प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट हम क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। यही तो काम होता है, बोलो ना, जब हमें टैक्स पे करने की बात उठती है तो हम क्या करते हैं कि एक साल में जितना भी हमारा इनकम होता है उसमें जो भी खर्चे होते हैं हम उसको माइनस करते हैं, और फिर हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। खर्चे यानी कि क्लेम पे किया, बहुत सारी बातें आपका। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे बताना वो बात लॉजिकल है कि नहीं, जरा मुझे ये बताइए कि क्या जिन लोगों, जितना प्रीमियम हमने इस एक साल में रिसीव किया है मेरे बच्चे, फर्स्ट ईयर में जितना मैंने प्रीमियम रिसीव किया है, क्या ये सारा प्रीमियम जो है वो इस साल के स्टार्टिंग में रिसीव किया होगा क्या, मुझे बताओ। किसी ने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, तो गाड़ी का जब इंश्योरेंस कराया तो क्या वो साल के स्टार्टिंग में ही कराएगा क्या? नहीं सर, कोई किसी ने यहाँ कराया होगा, किसी ने यहाँ, कुछ लोगों ने तो यहाँ भी कराया होगा जी, जब गाड़ी परचेज किया तब कराया होगा। मुझे ये बताइए कि अगर किसी ने प्रीमियम मुझे यहाँ पे पे किया है, तो क्या साल के एंड होते होते वो प्रीमियम का रिस्क जो मेरे ऊपर है, मेरे कंपनी के ऊपर में ख़त्म हो गया क्या? जरा मुझे बताओ कि अगर एक आदमी ने यहाँ, मान लो मेरे बच्चे ये आपका 1 दिसंबर है और ईयर एंडिंग होता है 31 दिसंबर को, तो जिस आदमी ने 1 दिसंबर को गाड़ी का इंश्योरेंस कराया और मुझे प्रीमियम पे किया, क्या उस गाड़ी पे जो मैंने प्रीमियम रिसीव किया है उसका रिस्क यहाँ पे 31 दिसंबर को मेरे ऊपर ख़त्म हो गया क्या? बोलो हाँ
क्या खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म हुआ मेरे बच्चे, इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी प्रीमियम हम रिसीव करते हैं फॉर वन ईयर होता है और वो एक साल 1 दिसंबर से लेके अगले साल का 30 नवंबर तक आपका जाएगा, 1 साल का आपका होता है। तो जरा सोचो अगर ऐसा है तो जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया है मेरे बच्चे, इसमें जितने मेरे करंट ईयर में खर्च हुए हैं ना, सिर्फ वही खर्च नहीं है, मुझे पता है कि यार इससे जुड़ा हुआ कई सारा क्लेम अभी आगे भी पे करना पड़ सकता है। हो सकता है किसी का आपका कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अगले साल में प्रीमियम जब तक एक्सपायर्ड ना हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। हमने इंश्योरेंस कंपनी को इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोला कि इनकम टैक्स अथॉरिटी भैया, ये जो 5 लाख का मैंने प्रीमियम रिसीव किया है ना, ये पूरे 5 लाख रुपए मेरा इस बार का इनकम नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो रिस्क है ना, अभी आगे जाएगा, मैं इतने पूरे को इनकम नहीं मान सकता। तो पता है इनकम टैक्स अथॉरिटी ने मुझे क्या बोला? वो कहते कि ठीक है, आपकी बात जेन्युइन है। वो कहते काम करो, अगर आप फायर में तो जितना भी प्रीमियम है ना, उसका 50%, मतलब कि आधा आप इस बार का इनकम मत मानो। हमने कहा कि ठीक है जी, हम इसमें से क्या करेंगे, ये 5 लाख रुपीज का जो अमाउंट है इसका 50% मेरे बच्चे, यानी कि 2,50,000 हम इस बार इनकम नहीं मानेंगे, हम इसको बोल देंगे प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, जो रिस्क अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुआ हमने उसके नाम से इसको माइनस कर लिया। और फिर मेरे बच्चे फिर इस साल इनकम कितना मानेंगे, सिर्फ 250,000 रुपये। और इस 250 में जो इस साल खर्चे हुए, क्लेम पे किया होगा, बहुत सारे खर्चे किए होंगे, उसको माइनस करके हमने 150 का प्रॉफिट निकाला। और इसी 150 पे क्या करेंगे जी, हम टैक्स का पेमेंट करेंगे। आप मुझे बताओ कि अगर मैंने ऐसा बोला तो मैंने जेन्युइन बात की कि नहीं की? मैंने मतलब कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, मुझे बताइए कि क्या ये जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि जो प्रीमियम रिसीव किया वही तो मेरा मेन इनकम है और वो सारा प्रीमियम का जो हमने रिसीविंग किया है वो सबका रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रिस्क आगे आ सकता है। तो उस केस में हमने कहा कि 5 लाख में से 50% ये हमें किसने बोला है, इनकम टैक्स ने, कि भैया कि 50% क्या करो जी, आप इस बार इनकम मत मानो, बाकी का इनकम मान लो, उस पर टैक्स पे, कोई डाउट इसमें नहीं सर। अगला साल आया मेरे बच्चे, मेरे बिजनेस का सेकेंड ईयर, और इस साल क्या हुआ कि जो मेरा प्रीमियम मैंने रिसीव किया ना इस साल, वो 8 लाख रुपीज रिसीव किया, 8 लाख रुपए। अगले साल मैंने कितना रिसीव किया, 8 लाख रुपए। मैं कौन से बिजनेस पे डील कर रहा हूँ, फायर डिवीजन की बात कर रहा हूँ। अगले साल भी मैं क्या करूँगा कि जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया 8 लाख, उसका 50% यानी कि आधा जो अमाउंट होगा मैं उस साल का इनकम नहीं मानूंगा, क्योंकि हमें अलाउ किया गया कि भैया आप उतना इनकम मत मानिए। कोई मुझे बताएगा कि 8 लाख का 50% कितना होता है? सर 4 लाख रुपए। सर ये रेट जो 50% लिखा फिक्स्ड है क्या? हाँ बच्चे फिक्स्ड है, ये रेट हमें याद रखना होगा, क्या रखना होगा मेरे बच्चे, याद रखना होगा है ना, रेट आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो 8 लाख में 4 लाख हमने कहा जी हम इनकम नहीं मानेंगे, तो इनकम कितना मानेंगे, 4 लाख रुपीज। ठीक है, लेकिन सोचो ना, पिछले साल जो आपने 5 लाख का इनकम कमाया था, उस 5 लाख में 2,50,000 2,50,000 रुपए आपने पिछले साल इनकम नहीं माना था, इस साल तो मानोगे, बोलो ना। हाँ, अरे ये जो आपका सेकेंड ईयर है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि 250 आपने कमाया था पिछले साल, लेकिन आपने कहा कि इनकम नहीं मानेंगे, हो सकता है रिस्क मेरे ऊपर आ जाए, तो ठीक है आपने पिछले साल के इनकम से हटा दिया था, अब वो तो मानोगे यहां पर? अरे बोलो ना, हाँ मानेंगे ना, यस सर। तो हमें क्या करना होगा, ये जो 250 है ना वो इस बार हमें क्या करना होगा जी, ऐड करना होगा, मतलब एंड वाला जो है ना, एंड वाला हम माइनस कर रहे हैं और ओपनिंग वाला हम क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। फिर बताओ इस बार का इनकम कितना हो गया, 650। इस 650 में जितने भी हमारे एक्सपेंसेज होंगे, मान लो 3 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी आप माइनस करो, बाकी पे आपको टैक्स पे करना होगा। समझिए मेरी बात ना, यही तो छोटी सी बात है। अगले साल क्या होगा जी, मान लो अगले साल मैंने 20 लाख रुपीज का प्रीमियम रिसीव किया, तो 20 का 50% यानी कि 10 लाख में इस साल इनकम नहीं मानूंगा, तो कितना बच गया, 10 लाख रुपीज। लेकिन जो पिछले साल इनकम आपने नहीं माना था वो तो मानना पड़ेगा, प्लस 4 लाख। ये 4 लाख कौन सा ऐड कर रहा हूँ, एंड वाला, और माइनस करूंगा, पहले इनकम निकालो, कितना हो गया जी, 10 + 4 = 14 लाख। इसमें क्या माइनस करेंगे जी, एक्सपेंसेस जो आपका होगा, फिर बाकी का प्रॉफिट पे करेंगे। सिंपल सा कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे जो 5 लाख कमाया था, 250, ऐसा नहीं कि हम आपको कभी इनकम ही नहीं मानेंगे, इनकम का मानना हम थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं बस, आपके रिस्क को देखते हुए।
है ना, करंट ईयर का क्या करेंगे जी कि आप 50% अगले बार इनकम मान लो। ये देखो ये हमने क्या किया, अगले बार मान लिया, इसका अगले बार मान लो, यही काम आपका हो रहा है। याद रहेगी बात आपको ये सर। तो आप चेक कीजिए कि जो प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है क्लोजिंग वाला बच्चे हम देखो यहाँ पे लेस कर रहे हैं। लेस कितना, फायर पे आपका 50% है, मरीन पे रेट आपका 100 है। तो मरीन का 100 का मतलब क्या, आपने सपोज कि 5 लाख रुपए यहाँ पे कमाया, हम इस साल 5 लाख में कुछ भी आपका इनकम नहीं मानेंगे, जीरो, खर्चे हुआ, लॉस हो गया, टैक्स मत पे करना। लेकिन अगले साल ये जो 8 लाख रुपए हम इनकम नहीं मानेंगे, बट ये तो 5 मानेंगे, समझ लो। बस इनकम का जो रिकॉग्निशन है ना, हम उसको बस शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो आपको फायर पे कितना जी 50%, मरीन पे आपका 100 और मिसलिनियस पे कितना होगा 50% होगा। इतनी ही बातें हैं, इतनी ही बातें और बिल्कुल कुछ नहीं है आपका। सर ये रेट भूल गए तो कैसे भूल जाओगे, फायर पे 50% है, मरीन पे 100% है और मिसलिनियस पे कितना जी 50% आपका। सर कहीं इधर का उधर हो गया तो वो भी कैसे होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं ना, फायर, आग में कभी आप कूद जाओ घर के बाहर, घर में नहीं, कहीं पे आग लगाओ, थोड़ा सा कूदो और कूद के बाहर निकलो, अरे थोड़ा सा हाथ पर जलेगा, मरोगे नहीं। मतलब आग में बैठने की बात नहीं कर रहा मैं, आग लगी लगाओ कहीं पे, उस पर कूदो और बाहर निकल जाओ, थोड़ा बहुत जलोगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा, रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है मरने का। तो हमने क्या कर दिया 50%। मरीन, समुद्र में चले जाओ, समुद्र में, और समुद्र में बीच में वहां जो जिस शिप से जाओगे ना, उस शिप से क्या करो, कूद जाओ समुद्र में और शिप को बोलो कि जाओ तुम आप। अब वो चला गया, अब आप कहना कि ठीक है अब मैं निकलता हूं, निकल पाओगे क्या वहां से, समुद्र की बात कर रहा हूं, समुद्र में, किसी पोखर की बात नहीं कर रहा बच्चे, नहीं निकल पाएंगे, रिस्क बहुत ज्यादा है। और जहां रिस्क ज्यादा वहां पर क्या करेंगे जी 100% की बात करेंगे, मिसलेनियस में तो फिर आपका 50 ठीक ही है। अरे बदमाश ये क्यों मुझसे झगड़ा कर रहा है, वो तो इनकम टैक्स अथॉरिटी से जाके पूछना, जब आप CMA क्वालिफाई कर लोगे वो आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा। मैंने बताया कि इसमें रिस्क का जो आपका कंडीशन है वो 50 मानते हैं, इसमें 100 को याद करने का तरीका बता दिया कि आप डूबो वहाँ पे बचने के चांसेस कम है, तो रिस्क ज़्यादा एक्चुअली, इसको याद करने का बस तरीका आपका। तो याद रखना 50% हमने क्या बोला जी इसमें, और 100 आपका, ये कोई डाउट इसमें नहीं सर। तो अब ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, ये आपका क्लोजिंग वाला हम माइनस कर रहे हैं और ये आपका ओपनिंग वाला ऐड कर रहे हैं, हम ये समझ गए। ये प्रोविजन फॉर एडिशनल रिस्क क्या है, एडिशनल, मेरे बच्चे अगर आपके बिजनेस में कुछ ज़्यादा रिस्क दिखता है और अगर आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को इस बात को सेटिस्फाई कर देते हो, या फिर उन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया कि नहीं जी कुछ एडिशनल भी आप बना सकते हो, तो फिर हम करेंगे, अदरवाइज नहीं। यानी कि इसका रेट जो है ना वो डिफाइंड नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा ना तो गिवन इन क्वेश्चन, अगर ये बनाना होगा तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि भैया इसको बनाना है, अगर नहीं दिया होगा तो सिर्फ आपको इसके ऊपर में काम करना, ये तो बनाना ही बनाना है, समझ गए मेरी बात, ये तो आपको बनाना ही बनाना है। एडिशनल वाला क्वेश्चन बोलेगा तो हम बनाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बनाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में देता है, कभी कभी नहीं देता है, लेकिन जो आपका मेन है बच्चे उसका रेट याद करना पड़ेगा। हमने क्यों बोला जी ओपनिंग का हमेशा गिवन होगा, क्योंकि पिछले साल, इस साल, इस साल कितने साल की अकाउंटिंग बताएगा, वो क्वेश्चन में एक साल का इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, इसलिए इस साल के स्टार्टिंग में कितना हमने ये बना कर रखा था वो क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है, आपको चिंता नहीं करना, ठीक है ना। इतनी सी बात और कुछ भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छी क्लियरिटी लाने के लिए आपको एक क्वेश्चन कराऊं। और मेरे बच्चे आप बुकलेट के अंदर में आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 23, सर बीच के क्वेश्चन सब कराऊंगा बदमाश, आप आओ तो पहले देखो तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो तो कितने सिंपल सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और फिर भी बच्चे गलतियां करते हैं, समझ में नहीं आता क्यों आपका, है ना। आई जरा जल्दी से आप मेरे साथ और पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 23 आपका, इसको मैं हटा दो, इसको लिख लिया आपने, समझ लिया आपने, हाँ जी सर ठीक है, आओ ना 23 क्वेश्चन। आज अभी 2 घंटे गुजर गए, समझ भी नहीं आ रहा कैसे, कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने आज आपको, कुछ भी नहीं पढ़ाया है ना, कुछ भी नहीं पढ़ाया, वो एक क्लेम निकालना मैंने सिखा दिया और एक आपका वो अभी हम लोग ये क्या बोलते हैं जी वो कमीशन का, प्रीमियम इनकम का फिक्र है, बस पढ़ो ना क्या बता रहा है 23। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ रिलायबल मरीन इंश्योरेंस, ओह एक मिनट, अरे रुको, ये मरीन इंश्योरेंस की बात कर रहा है, जरा बताओ कि मरीन इंश्योरेंस के केस में परसेंटेज ऑफ रिस्क कितना था। लो आपने बताना शुरू कर दिया यार, मैं तो सोचा कि कहीं आप सचमुच में शिप पे बैठेंगे, समुद्र में जाएंगे, वहाँ पे कूदेंगे, वहाँ पे कूदने के बाद मजा लेंगे, फिर आप मुझे जवाब देंगे। लेकिन क्या मस्त बच्चे हैं आप लोग, क्या मस्त बच्चे हैं,
Good. From the following information of Reliable Marine Insurance for the year ending on 31st March 2010, find out net premium earned and net claim. ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन आपका है. नेट प्रीमियम निकालना और नेट क्लेम निकालना. सुनो ना, प्रीमियम कहता है प्रीमियम रिसीव्ड डायरेक्ट में और री इंश्योरेंस मतलब इनडायरेक्ट में. रिसीवेबल कहता है स्टार्टिंग में एंड में, पेड बता रहा है और पेबल स्टार्टिंग एंड में. लो क्लेम भी आ गया, अभी अभी क्लेम सीखा था हमने. पेड आपको बता रहा है, पेड बता रहा है जी, फिर पेबल स्टार्टिंग एंड में, रिसीव्ड कहता है कि स्टार्टिंग में और एंड में. बस बोलता कि क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा, फिर भी मैं कराऊंगा. आओ ना मैं आपको यहाँ पे कराऊं सॉल्यूशन. पहले सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग जी, 23. पहले क्या पूछा उसने, नेट प्रीमियम अर्नड. तो लिखेंगे नंबर वन, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रीमियम अर्नड आपका, ठीक है ना. और ये रहा हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट, क्योंकि मेरे बच्चे सिर्फ एक का बता रहा है जो मरीन है, तो सिर्फ मरीन की बात करेंगे. काश वो तीनों का बताता, तुम तीनों का बनाते. सर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आएगा, आप चिंता नहीं करें. पहले जल्दी से फटाफट हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बिजनेस एक फटाफट. अब आप जानते हैं सारी बातें, फटाफट बताओ जरा कि प्रीमियम हमने रिसीव क्या होगा कि पे किया होगा. सर प्रीमियम रिसीव क्या होगा, तो प्रीमियम रिसीव्ड इनकम है ना इंश्योरेंस कंपनी का. प्रीमियम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है ना, जितना रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर वो ले लीजिए. प्लस हम क्या करेंगे जी, रिसीवेबल एट द एंड, एंड में जो रिसीवेबल है उसको प्लस कीजिए, और जो रिसीवेबल एट द बिगनिंग स्टार्टिंग का ओपनिंग का हम उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे. आप डेट भी लिख सकते हो क्वेश्चन में, अगर डेट दिया हुआ है तो बताइए कि प्रीमियम हमने डायरेक्ट बिजनेस में कितना रिसीव किया है. सर 88 लाख, लिखो ना यहाँ पे 88 लाख. रिसीवेबल एंड में कितना बचे, 377. तो 377,000 आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए और माइनस कीजिए रिसीवेबल जो आपका स्टार्टिंग में है, यानी कि 4,39,000 का अमाउंट आपका, 439. बोलो ना अमाउंट कितना आ गया. इनको क्या टू होने चाहिए बदमाश, जरा बताइए कितना निकल के आ गया, 88 लाख. प्लस कीजिए आप यहाँ पे 377, माइनस कीजिए 439, ये अमाउंट आ गया 87 लाख एंड 38,000 का अमाउंट, 87,38, ठीक है ना, 87,38, ठीक है. इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड. आपने जो इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्ट किया है इसके अंदर मेरे बच्चे हम बोलेंगे प्रीमियम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. कहीं से भी प्रीमियम आया हम उसको इसमें ऐड करेंगे, है ना. तो बताइए यहां पे प्रीमियम कितना बता रहा है. री इंश्योरेंस में प्रीमियम हमने कितना रिसीव किया है, 752,000. ऐड कीजिए आप यहां पे रिसीवेबल एट द एंड. साल के एंड में बच्चे जो रिसीवेबल है उसको ऐड कीजिए, कितना बता रहा है रिसीवेबल एंड में, 32,000. कहीं गलती होगा तो मुझे बता देना, 32,000. माइनस कीजिए आप यहां पे रिसीवेबल एट द बिगनिंग. साल के स्टार्टिंग में जो आपका प्रीमियम रिसीवेबल है बच्चे वो कितना है जी, 36,000. तो माइनस कीजिए 36,000, बताओ बाहर कितना आ गया, ये 748 आ रहा ना, कंफर्म करो 748 आ रहा ना, ये सर. फिर आपका लिखेंगे यहां पे इनडायरेक्ट बिजनेस सीडेड. अगर हमने बिजनेस किसी को दिया होगा तो हमने प्रीमियम उसको पे किया होगा, तो जितना प्रीमियम आपने पे किया वो निकालिए. प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर बताओ जरा जल्दी से क्वेश्चन में कि प्रीमियम जो हमने पे किया वो कितना बता रहा है आपका. पेड ढूंढो कितना है 6,09,000. आप मुझे बताओ कि पेबल जो आपका है प्रीमियम पेबल एट द एंड,
साल के एंड में जो प्रीमियम पेबल है वो कितना है जी? पेबल एंड में 18,000 और लेस कीजिए पेबल एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में जो आपका पेबल है हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। स्टार्टिंग में कितना है? 27,000। तो ये कितना आ गया आपका? 6 लाख। कोई बताएगा ये 6 लाख रुपीज इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा? 6 लाख को प्लस करो कि माइनस करो, बताओ ना। यहाँ पे सर माइनस करेंगे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये हमने रिसीव किया उसमें से इतना हमने पे कर दिया बदमाश। ठीक है, और कुछ नहीं सर। तो यहाँ पे आपका प्रीमियम इनकम जो निकल के आया है, प्रीमियम इनकम मुझे बताइए कितना निकल के आ गया? प्रीमियम इनकम इन दोनों को ऐड करो, तीसरे को माइनस करो, जल्दी बताओ कितना आपका? 87,38,000 प्लस 7,48,000 और माइनस आपका 6 लाख रुपीज का अमाउंट, ये आ गया 88,86,000 का अमाउंट आपका, 88,86 आपका, है ना बच्चे? 88,86। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, क्योंकि ये मरीन है मेरे बच्चे, मरीन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, यहाँ पे आप लिखना नहीं, मेरी बात सुन लो, हम लोग प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क जो आपका एंड का है हम वो बनाते, इसको हम लोग क्या करते जी, लेस करते, और हम लोग यहाँ पे ऐड करते बच्चे क्या जी, प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, कौन सा जी, ओपनिंग वाला, हम यहाँ पे लेस करते मेरे बच्चे, ऐड करते, इसको हम लेस करते, इसको हम ऐड करते हैं आपका, और क्योंकि एडिशनल के बारे में कुछ नहीं बता रहा तो हम कुछ नहीं करते, और यही हमारा हो जाता नेट प्रीमियम इनकम ट्रांसफर टू रेवेन्यू अकाउंट, मतलब जहां हम प्रॉफिट निकालते वहां ट्रांसफर करते हैं, ये करते हैं मेरे बच्चे। बट क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया है कि ये बिजनेस का पहला साल है, एक तो ये आपको ये नहीं बता रहा है कि फर्स्ट ईयर है, दूसरा हमें ये भी नहीं बता रहा कि पिछले साल हमने कितने का प्रोविजन बनाया था, इसलिए मेरे बच्चे हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ रहा है, ये हमसे नहीं पूछ रहा है। मेरी बात सुनना, या तो क्वेश्चन आपको कह दे कि भैया ये आपके बिजनेस का पहला साल है ना बच्चे, या फिर क्वेश्चन कहे कि नहीं जी पहला साल नहीं है, तो फिर ओपनिंग बैलेंस ये कितना है आपको बताए पिछले साल से, वो दोनों में से कुछ भी नहीं बता रहा है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि भैया फिर वो सिर्फ हमसे यहाँ तक जानना चाहता और आगे कुछ नहीं जानना चाहता, तो हमारा काम खत्म हो गया। क्वेश्चन में नेट प्रीमियम अर्न्ड कितना होगा तो हम इसमें टिकमा करके आपको आ जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा, काम खत्म हो गया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं बच्चे, प्रोविजन आप कैसे बना सकते जरा बताओ आप, यहाँ पे आप थोड़ा लॉजिक लगाओ ना। प्रोविजन अगर मैं क्लोजिंग का बनाऊंगा तो ओपनिंग का होना चाहिए ना, अभी क्वेश्चन आगे दिखाऊंगा जहाँ पे दिया रहेगा। अगर हम एंड का बना रहे हैं तो ओपनिंग का भी होना चाहिए, ओपनिंग का नहीं बता रहा है तो फिर तो मेरा आंसर ही गलत हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन हमें ये कह दे कि भैया बिजनेस का पहला साल है तभी मैं बात मान लेता, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं कह रहा तो इसका मतलब कि यही अंडरस्टूड है कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें यहीं पे क्वेश्चन को एंड कर देना है ना। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसमें क्लेम भी निकालना, मुझे विश्वास आप क्लेम निकाल लेंगे, मैं क्लेम नहीं निकालूंगा, क्लेम मैं इसमें नहीं निकालता, मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, मैंने वो लिख कर रखा हुआ था आपके लिए, वो क्वेश्चन आपका, हाँ आप जरा आ जाओ बुकलेट का क्वेश्चन नंबर एट आपका, आपने मेरी बात समझी ना, इस क्वेश्चन को क्यों हमने वहीं पे रोक दिया आपका, इस क्वेश्चन को हमें क्यों यहीं पे रोकना पड़ा, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम मानेंगे कि भैया यहीं तक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। आओ ना एक बार क्वेश्चन नंबर हम एट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट आपका, ये भी देखिए एंड में, ये भी आपका ICMI के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन आपका है, एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है, और इसका फिगर मैंने चेंज किया है थोड़ा सा, ताकि आप मतलब मन किया और कुछ खास रीजन नहीं है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन फिगर मैंने चेंज किया हुआ है, पढ़ो ना एट क्वेश्चन क्या बता रहा है, मैं इसको चेंज करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट आपको कराता हूँ, एट क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या बता रहा है, कहता है एट में इंडियन, क्वेश्चन नंबर एट निकालेंगे, एट नंबर आप जल्दी से, एट नंबर कहता है कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फर्निशेज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखो यहां पे क्या बता रहा है, 31st 12 2021, ये आपका करंट ईयर है इस क्वेश्चन में,
और कहता है कि मैंने क्वेश्चन क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है 31/12/2021 यानी कि यहाँ पे आपको बता रहा है जी यहाँ पे कि भैया आपके पास ना अनएक्सपायर्ड रिस्क का रिजर्व रिजर्व कह देगा प्रोविजन कह देगा मीनिंग सेम है इट हैड रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क टू द ट्यून ऑफ 40 करोड़ रुपए का आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है अनएक्सपायर्ड रिस्क ओपनिंग में जिसमें कि 15 करोड़ कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मरीन है मेरे बच्चे यहाँ पे अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रोविजन आपको बता रहा है मरीन पे कि मरीन पे हम लोगों ने कितना बना कर रखा हुआ है जी 15 करोड़ का 15 CR का और कहता है कि 20 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर फायर में कहता है कि 20 CR का है 20 करोड़ आपका और कहता है कि मिसलेनियस पे आपका 5 CR एक बार चेक करना तीनों मिला के कितना हो गया 40 CR वही जो आपका 40 करोड़ का बता रहा ना बच्चे स्टार्टिंग में उसका बता रहा है कि फायर में कितना मरीन में कितना है और मिसलेनियस में कितना आपका ठीक है आगे पढ़ना इट इज द प्रैक्टिस ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू क्रिएट रिजर्व एट 100% ऑफ नेट प्रीमियम इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ मरीन क्यों बताया तुमने क्यों बताया हम बेवकूफ हैं क्या अरे इसको नहीं पता ये बच्चे COC के बच्चे हैं इनको ये रेट याद हो चुका है ये देखो एग्जाम में स्टडी मैट में क्वेश्चन में ऑलरेडी बदमाश ने रेट बता दिया कि भैया मरीन में 100% आपको 50% इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर और मिसलेनियस ना बोलता तो भी हमें पहले से याद था अब देखो ना आगे कहता है रुपीज इन करोड़ मरीन फायर और मिसलेनियस का प्रीमिया कलेक्ट सर प्रीमिया प्रीमियम होना चाहिए ना बदमाश प्रीमियम एक आदमी से रिसीव करते हैं जब प्रीमियम का पुलर वर्ड ढूंढोगे ना बहुत सारे लोग तो प्रीमिया ही कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है प्रीमिया यानी कि प्रीमियम हमने कलेक्ट किया जी इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट द पॉलिसी इशू जो पॉलिसी हम लोगों ने इशू किया है उससे जो प्रीमियम रिसीव किया यानी कि डायरेक्ट बिजनेस से अदर इंश्योरेंस कंपनी से जो प्रीमियम रिसीव किया मतलब दूसरे कंपनी से जो बिजनेस हमारे पास आया होगा यानी कि इनडायरेक्ट बिजनेस जो आया होगा उससे जो प्रीमियम रिसीव किया और फिर कहता है प्रीमियम पेड या पेबल जो है एंड में आपका वो इतने इतना क्या बकवास क्वेश्चन है यार अरे कम से कम प्रीमियम आपका रिसीव्ड रिसीवेबल ओपनिंग रिसीवेबल क्लोजिंग कुछ तो बताओ हमने कितना टफ किया था कितना मजा लिया था जिसमें कि आपका रिसीव्ड एंड का ऐड करो ओपनिंग ये कुछ नहीं सीधे बता दिया भैया इतना इतना तीनों को प्लस माइनस करो काम खत्म करो नीचे कहता है कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनी आस्क यू टू पास जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व एंट्रीज बोलना करने के लिए एंड शो इन कॉलमनर फॉर्म अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट फॉर 2022 के लिए मतलब करंट ईयर के लिए कह रहा है बच्चे कि आपका करंट ईयर मतलब 31 दिसंबर 2022 इसका बोलता है कि आप अकाउंटिंग कीजिए एंट्रीज बोल रहा है मेरे बच्चे मैं एंट्रीज आज नहीं सिखाऊंगा ये बोल रहा है कि अकाउंट बताओ अकाउंट भी आज नहीं सिखाऊंगा वो मेरा अगली क्लास का टॉपिक है लेकिन वो प्रोविजन कैसे निकाला जाएगा वो तो सिखाऊंगा इसका वर्किंग सिखाऊंगा बस एंट्री करना आज नहीं सिखाऊंगा अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा मैं आपको अगली क्लास को टॉपिक है मैं कराऊंगा चिंता नहीं करना बट आइए जरा यहाँ पे फटाफट लिखेंगे ये तो डायग्राम समझने के लिए आपका अब लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ शुरू करेंगे आप कंप्यूटेशन ऑफ प्रीमियम इनकम हम लोग प्रीमियम इनकम निकाल रहे हैं क्योंकि इस बार तीनों का बता रहा है मेरे बच्चे तो तीन कॉलम आप मेरे साथ रेडी करेंगे फायर का मरीन का और मिसलेनियस का तो ये हमारा फायर का हो गया ये हमारा मरीन का हो गया ये हमारा मिसलेनियस सर कोई ज़रूरी है क्या कि पहले फायर का कॉलम नहीं बच्चे कोई भी कॉलम पहले बाद में कर सकते हैं आपकी मर्जी मैंने फायर लिख दिया कोई दिक्कत नहीं परसेंटेज याद रखना बस आइए डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड जो बिजनेस आपने डायरेक्टली एक्सेप्ट किया है इसके अंदर में आपका प्रीमियम कितना बता रहा है ओहो ये तो साफ साफ बता दिया कि भैया यहाँ पे 18 है यहाँ पे सॉरी ओहो गलती कर रहा था मैं आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने फिगर में पहले मरीन दिया है तो या तो इसको पहले मरीन लिख दो वो भी ठीक है या फिर आप फिगर को ऊपर नीचे तो मैं रिस्क ज़्यादा नहीं ले रहा आपके साथ आप प्यारे बच्चे हैं मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पहले मरीन का दिया हुआ है तो कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा फायर और ये मिसलेनियस था है ना तो आपका मरीन में मेरे बच्चे जो बिजनेस आपने एक्सेप्ट किया है वो आपका है 18 सारे फिगर क्या है इन करोड़ सारे फिगर करोड़ में यहाँ पर फायर में कितना है 43
और यहाँ पे आपका 12 है ना। पहले क्या था ना पिछले बार में कि डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टमेंट में प्रीमियम रिसीव्ड रिसीवेबल एंड का ऐड करो, यहाँ पे कुछ है नहीं है, सीधे अमाउंट निकाल के आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आपने काम किया, ठीक है ना। फिर जो इनडायरेक्ट बिजनेस आपने एक्सेप्ट किया, कहीं से भी बिजनेस हमारे पास आएगा तो हम प्रीमियम रिसीव करेंगे। तो बताओ ना, इनडायरेक्ट बिजनेस जो आया है उससे कितना प्रीमियम कलेक्ट किया जी? मरीन में 7, फायर में 5 और मिसलेनियस में आपका 4। फिर जो इनडायरेक्ट बिजनेस आपने सीडेड किया, मतलब किसी को दिया, तो प्रीमियम हमने पे किया ना। देखो ना, पेड प्लस पेबल सब मिला के कहता है 6.7, यहाँ कहता है 4.3 और यहाँ कहता है मेरे बच्चे 7। इसको प्लस करूँ कि माइनस करूँ? सर माइनस है ना, ये प्रीमियम हमने रिसीव किया, ये पे किया है। तो आपका जो नेट प्रीमियम इनकम आ गया, नेट प्रीमियम इनकम बताइए कितना आ गया? 18 + 7 को ऐड करो, 18 + 7 को ऐड करो, -6.7, ये आ गया 18.3। फिर आपका 48 है ना, ये दोनों को ऐड करके -4.3, ये आ गया 43.7। और 12 + 4 = 16 होता है, माइनस आपका 7 9 हो गया आपका, यहाँ पे ये 9 निकल के आ गया। ये हमारे पास आ गया नेट प्रीमियम इनकम मेरे बच्चे। अब हमारे पास प्रोविजन है, तो यानी कि पूरा काम करना है। आप यहाँ पे लेस कीजिए पहले रिजर्व या प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ये कौन सा लेस कर रहे हैं हम लोग? एंड वाला। मुझे बताइए जल्दी से कि मरीन में क्या परसेंटेज है बच्चे, जल्दी बताइए मरीन में परसेंटेज क्या है? क्या मैं बुक में जो क्वेश्चन है उसको पढ़ूं या मुझे याद है? सर याद है। तो मरीन में 100%, इसका 100 यानी कि 18.3 आप यहां से माइनस कर दो, यहां पे 50, तो 43.7 का 0.5 50%, यानी कि आप 21.85 को आप यहां पे माइनस कर दो और यहां माइनस कर दो 4.5 को, इसको माइनस कर दो, है ना बच्चे। तो हमने क्या किया यहां पे मरीन, अच्छा सर एक बात बताओ, एग्जाम में अगर कुछ अलग रेट दे दे तो हम क्या करेंगे? पर बच्चे ऐसे तो चांसेस ना के बराबर है, बट इनकेस अगर प्रोविजन का रेट कुछ अलग दे दे तो फिर वही फॉलो करेंगे, ठीक है ना। बट रेट आपका अलग देने का चांसेस ना के बराबर फिर भी दे दिया तो हमने क्या किया ये, और आप इसमें ऐड कीजिए क्या जी? रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। कौन सा जी? आपका ओपनिंग वाला कितना आपका है ये देखिए आप यहाँ पे। तो मरीन में कहता है कि 15 है, फायर में कहता है कि 20 है, ये वो अमाउंट है जो पिछले साल से आ रहा है, और यहाँ पे आपका 5 है। तो बताएं अब आपका नेट प्रीमियम इनकम जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र टू रेवेन्यू अकाउंट, इनका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, यहाँ बनता है रेवेन्यू अकाउंट, वो कितना आपका निकल के आएगा बच्चे? तो ये तो आ गया, ये मेरा 15 हो गया, यहाँ कितना आ गया? तो आपका 21.85 और प्लस 20 आपका, ये आ गया 41.85 और वहाँ पे आपका आ गया 9.5, यही अमाउंट निकल के आएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे 15, यहाँ 41.85 और यहाँ पे 9.5, ये ठीक है आपका? कोई दिक्कत इसके अंदर में? कोई डाउट बच्चे यहाँ तक जल्दी बताइए, कोई डाउट आपको? कोई डाउट यहाँ पे नहीं सर? तो ये हमने काम पूरा किया आपका। इसका जनरल एंट्री एक्चुअली मैं इसलिए आज नहीं बता रहा क्योंकि वो रेवेन्यू अकाउंट से लिख दें, उसके फॉर्मेट में आपको समझाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। आप इस क्वेश्चन का आपने मेन पार्ट कर लिया है, मतलब कि क्वेश्चन 8 मार्क्स में जब भी एग्जाम आया है, 8 मार्क्स 6 मार्क्स का काम कर लिया, 2 मार्क्स का एंट्री वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा भी सब्र कीजिए। इसका जो सोल्यूशन किया ना उसके बाद आप एक पेज का जगह छोड़ देंगे, उसको हम बाद में करेंगे। हमने ये भी पार्ट आपका खत्म किया, बोलो हाँ। हमने 2 पार्ट खत्म किया ना बच्चे। हमने क्लेम निकालना सीखा, हमने सीखा आपका प्रीमियम कैसे निकाला जाता है, हमने 2 पार्ट यहाँ पे खत्म किया, क्लेम और प्रीमियम आपका। अब तीसरा पॉइंट समझा के मैं क्लास को एंड करूँगा, तीसरा आज का जो टॉपिक हमारा पास है, मेरा कोटा पूरा हो जाएगा। तीसरा टॉपिक लिखेंगे आप यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन, कंप्यूटेशन
ऑफ कमीशन, कमीशन कमीशन जरा बताओ, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी कि रिसीव करेगी? तो पे करेगी, पेड है बच्चे, मतलब कि हम यहाँ पे ना एक्सपेंस निकाल रहे हैं कि आखिर उसका जो कमीशन है वो अपना एक्सपेंस कितना दिखाएगी अपने अकाउंट में। बिना किसी डाउट के आप इसका फॉर्मेट जब रेडी करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ भी हमें क्या करना होगा, तीन कॉलम लेना होगा, एक आपका फायर का, एक आपका मरीन का और एक आपका मिसलिनियस का, मिसलिनियस का। यहाँ पे जब भी हमारे पास बिजनेस आएगा, डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड, याद रखना जब भी बिजनेस आएगा ना तो आप कमीशन पे करेंगे। हमारे देश में जरा नज़र यहाँ डालो, LIC कंपनी अगर मान लो किसी आपका कस्टमर से बिजनेस लेती है ना, तो हमारे कंट्री में रूल है मेरे बच्चे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कि कोई भी कस्टमर डायरेक्टली कंपनी से पॉलिसी नहीं ले सकता। अगर आपको पॉलिसी लेना है ना, तो आपको पॉलिसी लेने के लिए बीच में आपको एजेंट के थ्रू आना पड़ेगा, एजेंट के थ्रू आपका, मतलब यहाँ पे एजेंट होते हैं, समझो मेरी बात ना। हाँ लड़का बस अब क्या ब्रेक, 5 मिनट में ख़त्म होने वाला, सुनो तो मेरी बात। मिस्टर ए जो है, अगर मान लो कि अगर आप LIC कंपनी से कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं, आप कोई पॉलिसी, तो मेरे बच्चे आपको यहाँ पे क्या होगा, एजेंट के थ्रू जाना होगा। ये रूल है हमारे देश के अंदर में, है ना। तो मुझे बताओ जरा कि जब कोई यहाँ से आपका यहाँ पे बिजनेस आएगा तो LIC कंपनी इस एजेंट को, मतलब जब डायरेक्ट बिजनेस इनके पास आएगा, जब डायरेक्ट बिजनेस इन्होंने एक्सेप्ट किया होगा, तो मुझे बताइए कि कमीशन इन्होंने पे किया होगा कि रिसीव किया होगा, जल्दी बताइए। कमीशन इन्होंने पे किया होगा कि रिसीव किया होगा बच्चे, जरा बताओ। जब यहाँ से कोई बिजनेस आएगा तो कमीशन पे, ऑब्वियस बात है एजेंट को कमीशन ये थोड़े पे करेगा, आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कमीशन आपने पे किया होगा। यही नहीं, अगर अमिताभ बच्चन ICICI के पास जाते हैं तो ये भी एजेंट के थ्रू गए होंगे, तो ICICI ने क्या किया होगा जी, कमीशन पे किया होगा। जब ICICI बैंक कुछ बिजनेस यहाँ पे शिफ्ट करेगा ना बच्चे, जब कुछ बिजनेस यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो जितना कमीशन आपने पे किया था ना इसको, उसमें से कुछ आप इनसे लोगे, कॉमन सेंस है। अरे जब इनका बिजनेस हमने अपने पास कुछ रखा, बाकी बिजनेस आपको दिया, तो हमने जितना कमीशन इनको पे किया होगा उसमें से कुछ कमीशन आपको भी तो बियर करना है। तो नो डाउट कि जब LIC, इसके बारे में सोचना, जब इनके पास इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्ट होगा तो अगेन कमीशन आपको पे करना होगा। आप जब भी बिजनेस आएगा तो कमीशन पे करेंगे यहाँ पे अपने एजेंट को और यहाँ पे ICICI को, ताकि वो आगे आपका ट्रांसफरिंग है। तो यहाँ भी पे हुआ, यहाँ पे हुआ। हाँ, अगर आपने बिजनेस किसी और पे ट्रांसफ़र किया, HDFC बैंक, अगर आपने बिजनेस किसी और पे ट्रांसफ़र किया, तो मेरे बच्चे जितना आपने कमीशन पे किया होगा ना, उसमें से कुछ इनसे रिसीव करोगे। मैं पूरा क्यों पे करूँगा जी, बिजनेस कुछ आपको दे रहा हूँ तो कुछ कमीशन भी तो आपको हमें देना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे अगर LIC ने बिजनेस को सीडेड किया है तो कमीशन क्या करेंगे, हम वहाँ से रिसीव कर लेंगे, ताकि जितना यहाँ पे किया उसमें से इतना रिसीव कर लिया, माइनस कर दो, नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा। हाँ बच्चे, आपके पास जब यहाँ देखो, आप ये जो आपका अमिताभ बच्चन इनके पास जाके पॉलिसी लिया, तो ICICI बैंक ने यहाँ पे क्या क्या होगा जी, आपको मान लो यहाँ पे सपोज दैट कि 50,000 का इनको कमीशन पे किया इस एजेंट को। अब 50,000 500 करोड़ रुपए के बिजनेस पे, 500 में 100 करोड़ का बिजनेस आपने अपने पास रखा, 400 का बिजनेस यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो 50,000 है ना, वो भी 100 और 400 के रेशियो में आपके बीच में डिवाइड होगा, और उस केस में 400 पे जितना बनेगा उससे आप क्या करोगे, उतना रिसीव कर लोगे। तो आपने पे किया 50,000 और मान लो 40,000 हमने उनसे रिसीव कर लिया, तो अल्टीमेटली मेरे पॉकेट का खर्च कितना रहा, 10,000 और 40,000 आपका खर्च हो गया। ये तो कॉमन सेंस है, एजेंट तो एक ही होगा, एक ही बार होगा, लेकिन नो डाउट कि आपको कमीशन वहाँ पे करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हमें कोई कहे कि बताओ जी आपका क्या, तो आप लिखना शुरू करो ना, कमीशन पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना कमीशन हमने पे किया, ऐड कीजिए आप यहाँ पे पेबल
एट द एंड, साल के एंड में जितना पेबल है, और लेस कर दो पेबल एट द बिगनिंग, बिगनिंग यानी कि पिछले साल का। तो पिछले साल वाला तो पिछले साल खर्च रहा होगा, इस बार पे क्या होगा, इससे मिला हुआ तो उसको हटा दीजिए और अमाउंट आपका बाहर चला गया, ठीक है ना। उसके बाद मेरे बच्चे इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड, अगेन यहां पे कमीशन आपने जो पे किया पेड ड्यूरिंग द ईयर, ऐड कीजिए आप यहां पे पेबल एट द एंड, साल के एंड में जो पेबल है, लेस आपका पेबल एट द बिगनिंग। आपको बस एक ही चीज याद रख लेना है कि यार बिजनेस जब भी हमारे पास आएगा तो हमने कमीशन पे किया होगा, है ना, एजेंट को, तो वो भी आपका यहाँ पे चला गया। और अगर हमने बिजनेस किसी को सीड किया, यानी कि अगर इनडायरेक्ट बिजनेस सीडेड, अगर हमने बिजनेस किसी को दिया होगा तो उस हमने क्लेम कमीशन कुछ रिसीव किया होगा, यानी कि कमीशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो लीजिए, ऐड कीजिए आप यहां पे रिसीवेबल एट द एंड, और लेस करेंगे आप यहां पे, रटना कुछ भी नहीं है, रीजन सबका पता होना चाहिए, रिसीवेबल एट द बिगनिंग। जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा दिखता था, तो मेरे सर ने टॉपिक पढ़ाया था, पता नहीं क्या पढ़ाया था, मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे गुस्सा आ गया था, हिमालय पे गया मैं, वहां से कूदने वाला था मैं, क्योंकि दुख था, समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो ब्रह्मा जी आए थे, उन्होंने मुझे समझाया था, फिर वो तब मुझे समझ में आया ये। और ये मेरे बच्चे आ गया आपका कमीशन, है ना। तो आपको नहीं कूदना, आपको बस यहां समझना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आपका फायर मरीन मिसलिनियस का आपका डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड, इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड माइनस आपका सीडर को माइनस कीजिए, अमाउंट निकल के आ जाएगा। एग्जाम में कभी इस पर कभी क्वेश्चन आया नहीं, मेरे बुक में है नहीं, बट फिर भी एक क्वेश्चन फटाफट दो मिनट के अंदर में करा के मैं इस टॉपिक को एंड करूंगा, आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए यहां तक। आप ये हो गया बच्चों, ये सर मैं यहीं दिखा दूं क्या, मैं एक क्वेश्चन यहीं बनाता हूं, आप फटाफट मेरे साथ यहां पे बनाएंगे, आप फटाफट मेरे साथ बनाएंगे, लिखेंगे आप एक एग्जांपल लिखेंगे यहां पे, एग्जांपल डायरेक्ट बिजनेस और यहां पे इनडायरेक्ट बिजनेस, इनडायरेक्ट बिजनेस, ये बड़े बड़े क्वेश्चन में आगे सारी बातें इकट्ठा हो जाएंगे। कहता है कि कमीशन पेड यहां 8 लाख रुपीज, यहां 2 लाख रुपीज। कहता है कि पेबल एंड में 40,000, 20,000, पेबल ओपनिंग स्टार्टिंग में 25,000 नील। फिर कहता है कि कमीशन रिसीव्ड, हमने जो रिसीव किया, यहां तो कभी नहीं बताएगा, यहां कहता है 1,20,000, रिसीवेबल एट एंड वो कहता है नील है, और रिसीवेबल एट द बिगनिंग यानी कि साल के स्टार्टिंग में कहता है कि 50,000 ले लो। कैलकुलेट कमीशन एक्सपेंस, कमीशन आपका एक्सपेंस कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक है ना। तो मैं इस फॉर्मेट को हटा के मैं इसको एक मिनट के अंदर में सॉल्व करूंगा, और मुझे विश्वास है ये जो तीन टॉपिक आज हमने किया हुआ है, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उस पर आपकी मास्टरी हो गई है। आओ ना सॉल्यूशन के अंदर में।
एक ही बिजनेस है बच्चे, इसलिए एक कॉलम बनाऊंगा, तीन होता तो मैं तीन कॉलम बनाता। और यहां पे एक तो हम लिखेंगे डायरेक्ट बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड, इसमें कमीशन हमने जो पे किया है वो लीजिए, कितना पे किया डायरेक्ट बिजनेस में, 8 लाख। ऐड कीजिए आप यहां पे पेबल एट एंड, कितना पेबल एंड में, ये देखो आप 40,000, तो 40 को हम यहां पे ऐड कर देंगे। सर बहुत फास्ट चल रहे हो जानबूझ के, अब आप जानते हैं मुझे, पहले कीजिए आप पेबल एट बिगनिंग, जो पिछले साल का है यानी कि ओपनिंग वाला 25 वाला माइनस कीजिए, तो बाहर चला गया 8,15,815। फिर इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड है ना बच्चे, इस इनडायरेक्ट में जितना हमने कमीशन पे किया है, कमीशन पेड कितना पे किया, 2 लाख रुपीज है ना। बिजनेस जब भी आएगा तो हम कमीशन पे करेंगे, ऐड कीजिए पेबल एट एंड, एंड में कितना पेबल है जी, 20,000। लेस आप करेंगे पेबल एट बिगनिंग, कुछ है इसमें क्या, ओपनिंग में कुछ पेबल है, नहीं सर, तो नील कर दो, छोड़ दो, होता तो बता दो, नहीं तुम भगवान थोड़े ही हैं, 220 यहां पे। और आपने किया इनडायरेक्ट बिजनेस सीडेड, यहां कमीशन हम लोग क्या करते हैं जी, रिसीव करते हैं, जिसको हमने बिजनेस दिया होगा तो हमने जितना कमीशन पे किया उसमें से उतना हमने रिसीव कर लिया होगा, 120 का अमाउंट आपका, ये 120 का अमाउंट हो गया। अगर कुछ रिसीवेबल है, रिसीवेबल एंड में, तो आप उसको इसमें ऐड कर दो, वो करंट ईयर का है सर, है ही नहीं, नील। अगर कुछ रिसीवेबल है, रिसीवेबल ओपनिंग यानी कि पिछले साल का, तो माइनस कर दो, कितना, 5,000, वो पिछले साल का रहा होगा, 120 माइनस 5, 1,15,000 हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बताइए कितना आ गया, 10,35,000, 9,20,000 ये हो गया कमीशन, 920। बस यही तो बात है यार, एक बदमाश है जो 965 निकाला है, क्यों बदमाश, 965 क्यों, 815 220 ऐड किया और 150 माइनस किया तो 920 आएगा, 920 आपका है ना। आप लिखते चलिए, मेरी बात सुनते चले मेरे बच्चे, तीन टॉपिक आज हमने एंड किया, आपका वो क्लेम निकालना, प्रीमियम निकालना और कमीशन निकालना, और इस तीन क्लास पे, तीन टॉपिक पे हमने जबरदस्त मास्टरी किया। अगली क्लास में अभी बातें और उठेंगी, अभी तो हमें बहुत सारा वर्किंग और देखना है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का पढ़ना है, जनरल की बात है, अकाउंटिंग देखना है, थ्योरी पढ़ना है, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन बिलीव कीजिए, ये चैप्टर जैसे जैसे आगे चलेगा आपको सिर्फ मज़ा आएगा, सिर्फ मज़ा आएगा, सिर्फ मज़ा आएगा बच्चे। मैं क्लास को एंड करूँ उसके पहले जल्दी से मुझे एक बार आप सबका कमेंट चाहिए, मुझे बताएं जरा कि क्या ये चैप्टर सचमुच में आपको टफ लग रहा है क्या, ईमानदारी से बताओ। अगर झूठ बोलोगे तो अगला जन्म आपका मतलब कीड़े का होगा, मैं कसम से बोल रहा हूँ, कीड़े का श्राप दे दूंगा। ईमानदारी से बताइए कि अभी तक जितना आपने पढ़ा इसमें चैप्टर टफ लग रहा है क्या, कमेंट में बताएं सारे बच्चे, सारे हजारों आंसर मुझे चाहिए। यस शुभम आर्य सही बोला, सीओसी से पढ़ रहे ना, टफ कैसे लगेगा। अरे ये आपको नहीं लगता कि आपके घर में अगर कोई तीसरी चौथी क्लास का बच्चा है वो भी इसको समझ जाएगा इस चैप्टर को, बोलो ना, हाँ हाँ जल्दी बताओ ना।
आप बताओ कि कोई तीसरी चौथी क्लास का बच्चा अगर होगा तो क्या वो इस चैप्टर को नहीं समझ पाता क्या? ईमानदारी से बताओ, कसम से। और जो मेरे स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेज के बच्चे हैं ना, डाउट सेशन टाइम पे आप मुझे बताएंगे इस बात को कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, जल्दी बताइए। यस सर, ये तो तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी कर जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट आपके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करता है ना बच्चे, इतनी गंदी गंदी बातें। दुख होता है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए तो कहते हैं बड़ा टफ क्वेश्चन आया था, इस चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में बेहोश हो जाते हैं, कोई इधर गिरता है कोई उधर गिरता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता आखिर क्यों। लेकिन कुछ भी नहीं है, आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सबको बाय बाय टाटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई करें और आगे बढ़ते रहें, थैंक यू, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CMA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नज़र बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। दिस इज कोमल मिश्रा ऑफ क्लास 11। आई एम मिशन प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन। हेलो, माय नेम इज वंशिका एंड आई एम डूइंग सीए इंटरमीडिएट। आई एम फ्रॉम बिहार, स्टूडेंट ऑफ सीए सिंस क्लास 11th एंड नाउ इन फाउंडेशन। आई हैव परचेस्ड माय सीएमए इंटरमीडिएट क्लासेस from CSE Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं थैंकफुल टू संतोष सर, इज रियली अ वेरी नाइस टीचर। अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूं तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लास में बैठे। संतोष सर हैज क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स एंड ही गिव्स अ वेरी तगड़ा आंसर टू माय कंप्लेंट्स। थैंक्स टू COC माय कांसेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। थैंक यू संतोष सर। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।